हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैंने सोचा टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी जल्दी से आईब्रोज को बनाना स्टार्ट कर दूं। वालेकुम अस्सलाम सारा, कैसे हो आप। हाँ जी श्योर, सब आप मेरी लाइव शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दो लाइव। अच्छा है, लाइव शेयर हो जाएगी, कुछ और लोग आ जाएंगे देखने के लिए। शेयर भी कर दो, किसी को इनवाइट करना है तो फॉर श्योर इनवाइट भी कर दो। आजकल पता ना आपको, मेरा अकाउंट थोड़ा फ्रीजिंग में जा रहा है। वाह सारा, आज आप जल्दी आ गए हो, है ना। मैं काफी देर से फिर से यहाँ बैठी हुई थी। कल भी मैंने काफी सारा टाइम सोचने में लगाया कि लाइव जाऊँ क्या, आज रहने दूँ। कल लाइव आ गई और अभी भी मुझे ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट्स हो गए यहाँ बैठे हुए। ये सोच रही थी कि लाइव जाऊँ या अभी रहने दूँ या ठहर के चले जाऊँ या कोई काम कर लूँ पहले जाके, कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा चलो यार स्टार्ट करके ना जल्दी खत्म कर लूँगी। हाय राजो, कैसे हो आप। मैं ठीक हूँ राजोक, आप कैसे हो। हाय समीना, कैसे हो आप डियर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं जल्दी जल्दी से बस अपनी आईब्रोज को थोड़ा फिल कर लूँ। पहले मैंने सोचा था मैं आईब्रोज बनाकर फिर लाइव चली जाऊंगी, फिर मैंने सोचा नहीं साथ साथ ही बना लूंगी। इनोसेंट मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। पता ना लाइव सेशन कितना लॉन्ग हो जाता होता है, फिर 2 आवर्स का, 2.5 आवर्स का। मैं ट्राई करती हूँ 1 आवर या 1.5 आवर पे रहे, उससे ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ये देखिए रफली सा मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसे नीट कर दूंगी। वर्ल्ड पीके, थैंक यू सो मच। हाय सैयद, हाय सैयद जादी, कैसे हो आप। मैं ठीक हूँ डियर, आप सब कैसे हो। थैंक यू सो मच आप में से जिन लोगों ने मेरी वीडियो के साथ ड्यूट किया था। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था उसके साथ ड्यूट कर दें ताकि मेरी वीडियोस वापस ज़रा व्यूज़ में आ जाएं, वरना वो बड़े व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे। उसको वीडियो बनाने का फ़ायदा ही नहीं था। पता क्या हो रहा था उसको, लाइक 10 व्यूज़ हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद देखोगे 11 हो रहे हैं, फिर देखोगे 12, लाइक एक एक करके उसको व्यू आ रहा था। वो इसीलिए ना क्योंकि वो फॉर यू पे नहीं जा रही थी। ये मेरी आईब्रो देखे थोड़ी सी ठीक है ना, अभी जब मैं इसको नीट करूंगी तो ये फाइन हो जाएगी। बस आईब्रोज को शेप देते हुए रफली सा शेप दे दें ताकि अंदर वाली जो सारी फीलिंग है ना वो आपकी अच्छी हो जाए। उसके बाद नीट करके बाकी एक्स्ट्रा वाला प्रोडक्ट आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसको मैंने फिल इन कर दिया, इसी स्पूली के साथ मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। हाय आसमा खोकर, कैसे हो आप। आज कौन से लुक करनी है। कल ना मैं जब लुक कर रही थी, वो जो कल मैंने जो पिंक सा लुक किया हुआ था, वो लुक जब मैं कर रही थी ना तो मुझे उस पैलेट में ना ब्लैक शेड बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था। तो मैंने सोचा था कल मैं इसी पैलेट में से ना ब्लैक वाला शेड लूंगी और फिर वो पम्पकिन पीच, जो पम्पकिन शेड कल यूज किया था ना वही पम्पकिन वाला शेड ब्लैक के साथ। ये प्लान है आज मेरा, क्योंकि कल वो पम्पकिन वाला शेड मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने सोचा मैं इसको ना ब्लैक के साथ यूज करके देखूंगी ये ब्लैक के साथ कैसा लगेगा। आप टायर्ड टायर्ड होते हैं जाहिर है यार, अभी जो जॉब पे जाने वाले लोग हैं वो भी तो रोज जॉब पे जाते हैं ना, टायर्ड हो जाते हैं वो भी, लेकिन क्या करें जॉब पे जाना है। इसीलिए मैं भी डेली लाइव आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे मैंने जैसे मेकअप की क्लासेस स्टार्ट की थी तो डेफिनेटली मुझे एवरी मंथ अपनी क्लास में न्यू स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं। तो अच्छा है मैं लाइव आ जाती हूँ, मेकअप कर लेती हूँ, मेकअप प्रमोट हो जाता है। किसी ने क्लासेस ज्वाइन करनी होती है तो क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं।
ठीक हो गया ना? आईब्रोज को ना मैं पॉमेड के साथ फिल किया। ये मेरे पास द फेस शॉप का पॉमेड है, ठीक है? आप कोई भी पॉमेड यूज कर सकते हो, मैं द फेस शॉप का पॉमेड यूज कर रही हूँ। अभी देखो ऐसा रफली सा मैंने अपने आईब्रोज को फिल कर लिया। फिल करने के बाद ना इसको मैं अब नीट करूंगी। नीट करने के लिए ना मैं माइसेलर वाटर और क्यू टिप यूज करती होती हूँ, उसके साथ बड़ी इजिली नीट हो जाती है। लाइक रफली सा आप फिल कर लें, उसके बाद आप क्यू टिप के साथ उसको अच्छी सी शेप दे दें। ये मेरे पास माइसेलर वाटर है एवॉन का, आप कोई भी माइसेलर वाटर यूज कर सकते हो। थैंक यू आसमा, थैंक यू सो मच। डियर मैं मेकअप करने की अपॉइंटमेंट नहीं ले रही हूं, मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ क्लासेस करती हूँ। मेरा ना अभी किसी और के फेस पे मेकअप करने की प्रैक्टिस नहीं है। मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा, ये बस वायरस का सीजन ये जो वायरस का सीजन लगा हुआ है ना, ये थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह अपने फ्रेंड्स पे प्रैक्टिस करूंगी जरा, ताकि मेरा हाथ थोड़ा दूसरों पे मेकअप करने के लिए सीधा हो जाए। मैंने अभी किसी का मेकअप किया नहीं है ना, तो मुझे थोड़ी हेजिटेशन रहती है, ऐसा ना हो मैं मेकअप करूँ तो खराब हो जाए। मुझे सिर्फ अभी अपने फेस पे मेकअप की प्रैक्टिस किया, तो मुझे सिर्फ अपने फेस पे ही करना आता है। ओह थैंक यू सो मच डियर, आपको मेरा मेकअप अच्छा लगता है। डेफिनेटली कभी मैं मेकअप करना लाइक दूसरों का स्टार्ट करूंगी तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी कि अगर आप में से भी कोई करवाना चाहे तो फिर आप आ सकते हैं। थैंक यू मिसिस गोरैया, थैंक यू। ऑयली स्किन के लिए ना मैट वाला फाउंडेशन ज्यादा अच्छा रहता है, या फिर वो जो पाउडर फॉर्म में फाउंडेशन होते हैं ना, वो ज्यादा अच्छे रहते हैं। अगर आपकी ज्यादा ऑयली स्किन है ना, तो आप ट्राई करो कि जो आप प्राइमर यूज करते हो ना, वो ऑयल कंट्रोल यूज करो, ताकि आपकी स्किन जो है वो कम ऑयल रिलीज करे। पाउडर फॉर्म वाली चीजें ज्यादा यूज कर लो, या लास्ट में सेटिंग पाउडर वो लास्ट में यूज कर लो, उसके साथ आपका ऑयल काफी सारा कंट्रोल हो जाता है। अदरवाइज जो प्राइमर है ना, वो लास्ट में यूज करो। ऑयल कंट्रोल, ऑयल आपका अच्छा सा कंट्रोल रहेगा तो ही आपका फाउंडेशन अच्छा लगेगा। चलें जी, ये हो गया मेरा आईब्रो रेडी। अभी मैं इसको कंसीलर के साथ नीट करूंगी। कल जिन लोगों ने मेरा सेशन ज्वाइन किया था उनको पता होगा, मैं ये आईब्रोज को नीट करने के लिए मेबिलिन सुपर स्टे कंसीलर यूज करती हूँ। मूवीज लवर मैं ठीक हूँ डियर, आप कैसे हो? जी हम ब्लैक स्मोक की ही करने वाले हैं। डार्क सर्कल्स के लिए क्रीम, इस तरह से मैं अपनी आईब्रो को शेप देने के बाद नीट कर लेती हूँ। अगर आपको मेरे कंसीलर का शेड लाइट लगता है तो इग्नोर करें, मुझे ये वाला शेड पसंद है अपने आईब्रो पे यूज करने के लिए, क्योंकि ये पिक्चर्स में या वीडियोस में बड़ा अच्छा लगता है। आईब्रोज आपकी प्रोमिनेंट लगती हैं, इनहेंस हुई लगती हैं, इसी वजह से मैं कंसीलर का शेड लाइटर यूज करती हूँ। लेकिन डेफिनेटली अगर आपको ये शेड अच्छा नहीं लगता, तो आप कोई और शेड यूज करें जो आपकी स्किन टोन से मैच होता है। ये जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ ना, मेबिलिन का, ये लाइट मीडियम शेड है, और अगर आपका स्किन टोन मेरे स्किन टोन जैसा है, तो आप लाइट मीडियम की जगह मीडियम वाला शेड यूज़ करें, वो आपको फिर ज़्यादा सूट करेगा। कॉन्टैक्ट लेंजेस, यार मेरा पता नहीं आजकल कॉन्टैक्ट लेंजेस लगाने का दिल नहीं कर रहा, पड़े तो मेरे पास ही हुए, मेरे कदमों में पड़े हुए मेरे कॉन्टेक्ट लेंसेस शिफ्टिंग के चक्कर में ना चीजें रखने को जगह नहीं मिल रही कुछ चीजें मैंने अपनी पाँव के पास रखी हुई है, तो मेरे बिल्कुल कदमों में पड़े हुए कॉन्टेक्ट लेंसेस, लेकिन मेरा पहनने का दिल नहीं कर रहा।
मैंने सोचा था जब एक बार हमारी मूविंग हो जाएगी ना, फिर मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन लिया करूंगी, ताकि मेरे पास स्पेस भी बन जाए, फिर मुझे उतारने रखने संभालने का मसला ना हो। अभी मैं ये वाला ब्रश यूज कर रही हूँ, इस ब्रश के साथ मैंने ये जो कंसीलर लगाया, इस सारे को मैं ब्लेंड कर दूंगी। कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे ले आऊंगी, ताकि एक्स्ट्रा वाला नीचे आ जाए, बाकी को डैब डैब करके ब्लेंड कर दूंगी। एक्स्ट्रा को नीचे लाना है और फिर डैब डैब ब्लेंड। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जैनब आप? कॉन्टेक्ट लेंजेज यार मेरे ना अभी हैंड भी जो है मैंने अच्छे से वॉश नहीं किए हुए, इनके साथ मैं लगाऊंगी तो मेरी आंखों में मिर्चें लग जाएंगी, क्योंकि मैं नाश्ता करके आई थी। और पता है ये ना, फिर मुझे हाथ धोने जाना पड़ेगा और फिर वो बहुत टाइम का वेस्ट है। अब मैं पहले हाथ धोने जाऊँ, फिर उनको अच्छे से ड्राई करूँ, फिर कॉन्टेक्ट लेंजेज वॉश करूँ, फिर लगाऊँ। वो मैं पहले लगा लेती ना फिर ठीक था, लेकिन अभी नहीं लगा सकती। वॉश किए बगैर भी कॉन्टेक्ट लेंसेज नहीं लगा सकती हूँ, उसमें पड़े पड़े ना वो थोड़े से आ जाते हैं, धागे धागे से बन जाते हैं, पता नहीं क्या डस्ट होता है, गंद होता है सारा। उसके साथ ही लगा लो ना तो वो फिर मिर्चे लगती हैं आंखों में, जलन होती है। अभी मैं उस चक्कर में लग गई ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसी वजह से आज आप ऐसे ही देख लें, कल लगा लूंगी। और थैंक यू सो मच गुड़िया, गुड़िया गुड़िया ओ गुड़िया। अर्शदीप, मैं आपको आंसर नहीं करी क्या? नहीं आंसर करी डियर? मैं ना लाइव सेशन में यूजुअली आती हूँ कि मैं मेकअप करूँ और आप लोग देख लो कि मैं मेकअप कैसे करती हूँ या क्या क्या यूज़ करती हूँ। मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ वो भी बताती हूँ कि मैं वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? इसके अलावा जैसे आप लोगों के और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं ना, मैं ट्राई करती हूँ कि उसमें से भी किसी ना किसी का आंसर दे दूँ। लेकिन फिर भी अभी कोई एक बंदा तो नहीं है ना जो क्वेश्चन कर रहा है, हर 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 बंदा का कोई डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है हर पर्सन का, ठीक है? उस सब के मैं आंसर दूंगी तो फिर मेरा मेकअप नहीं होगा, मेरा सारा फोकस उस पे रहेगा। और आप में से काफ़ी सारे लोग मेरा लाइव सेशन इसीलिए देखते हैं ताकि वो मेकअप देख लें, फिर उनको भी लगता है कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको इतना इतना टाइम बैठ के मेकअप देखना पड़ा है। मैं ट्राई करती हूँ कि ना जल्दी जल्दी डन हो जाए, क्वेश्चंस के आंसर्स भी चलते रहेंगे। अगर आप चुप करके देखते रहेंगे, हो सकता है मेरी किसी बात में आपको भी कोई आंसर मिल ही जाए आपका। सम टाइम क्या होता है, मैं खुद ही से भी कोई चीज़ बता देती हूँ ना। थैंक यू सो मच तहमीन, मेरा रिपोर्ट वाला मसला नहीं माया जानी, मेरा रिपोर्ट वाला मसला नहीं ठीक हुआ। खैर अभी दोबारा तो किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, एक दफा में कोई रिपोर्ट करता है ना उसका नहीं पता चलता, मुसलसल जब कोई रिपोर्ट करता है ना तो फिर मेरी वीडियोस रिमूव हो जाती हैं। जो सी वीडियो रिमूव होती है ना वहां पे लिखा हुआ आ जाता है कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से कि मेरी वो वीडियो रिमूव कर दी गई है। हाय स्मृति, कैसे हो आप? मुझे पता नहीं, मैंने एक कमेंट भी देखा था किसी का, मुझे वो पूछ रहे थे कि आपको कैसे पता चलता है कि आपकी वीडियोस को कोई रिपोर्ट कर रहा है। तो वो ऐसे ही पता चलता है जब वीडियो रिमूव होती है ना, उसके ऊपर लिखा होता है कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से आपकी वीडियो रिमूव की गई है। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से ना यूजुअली टिकटॉक अपनी तरफ से रिमूव नहीं करते हैं, अगर उसमें कुछ ऐसा मसला ना हो, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो ना कि टिकटॉक को पता चले कि उसमें कुछ अननोन एक्टिविटी हो रही है, फिर वो रिमूव करते हैं, ठीक है? लेकिन मेरा तो सिर्फ मेकअप है ना, मेरा मेकअप का वीडियो टिकटॉक नहीं रिमूव कर रहा। वो कुछ लोग हैं जिनको, जो मेरी वीडियो को रिपोर्ट करते हैं कि मेरी वीडियोस अच्छी नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है, उसमें वल्गैरिटी है, न्यूडिटी है, इसकी वजह से वो वीडियोस रिमूव होती हैं। वहाँ लिखा हुआ आता है ना, रीज़न लिखा होता है किस रीज़न से रिमूव हो रही है, तो लोग ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रीज़न बता के ना वीडियो रिमूव करवा देते हैं। तो चलो ठीक है, ये मेरी आईब्रो सेट हो गई है, अभी मैं कलर करेक्टर यूज़ करूँगी। कलर करेक्टर मैं यूज़ कर रही हूँ एलए गर्ल का ऑरेंज कलर करेक्टर, ये वाला, ठीक है? इसको मैं इनर वाले कॉर्नर में लगाऊंगी ताकि इनर कॉर्नर से जो डार्कनेस है ना मेरी, ये हाइड हो जाए। डार्कनेस चली जाती है तो आपकी आईज बड़ी फ्रेश और ब्राइट लगती हैं। अच्छे से मैंने इसको यहां लगा लेना, फिंगर के साथ मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी। हाय खतीजा, कैसे हो आप? फिंगर के साथ बस मैं इसे ब्लेंड करूंगी। फेस पे आपके कहीं भी डार्क एरियाज हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेज हैं, उसको आपने ऑरेंज कलर करेक्टर से ही हाइड करना होता है। आपके माउथ के अराउंड भी अगर एरिया है, ये वाला एरिया, या अगर हाइपर पिगमेंटेशन है फेस पे कहीं, आप ऑरेंज कलर करेक्टर लगा के ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कलर करेक्टर सेट नहीं होता, नहीं कलर करेक्टर में तो क्रीज नहीं आती है। देखो आराम से मैंने लगा लिया, फिंगर के साथ मैंने इसे ब्लेंड कर लिया, सेट हो जाता है ये, तो इसमें तो क्रीज नहीं आती है।
ये मेरे पास बेस है, आई बेस मैं यूज कर रही हूँ बेकिसू की। ये मैंने अमेजोन से ली थी। इस आई बेस का फायदा ये है कि आपके आई शेडोज बड़े ही पिगमेंटेड नजर आते हैं और उसमें क्रीज जल्दी नहीं आती। अगर आपको लगता है ना कि आपके आई शेडोज क्रीज कर जाते हैं, तो फिर आप भी बेकिसू की आई बेस ट्राई करें। ये आपको लाइक रीजनेबल प्राइस में 3 आई बेस मिल जाती हैं। अगर आप ओरिजिनल वाली आई बेस लेना चाहते हैं, तो ये पी लुइस की आई बेसिस हैं जो ओरिजिनल हैं। ये जो मेरे पास है ना, ये डुप्लीकेट है। ये जाहिर है थोड़ा चीप प्राइस में डुप्लीकेट है। ओरिजिनल जो है वो इस नाम से होती है, पी लुइस के नाम से। ये ब्लैक कलर में है। अगर आपको एक्सपेंसिव वाली अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये ले लें। अगर आपको कम प्राइस में चाहिए तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। ये अमेजोन से मिल जाती है। इसका लिंक मेरी प्रोफाइल में दिया हुआ है। आप मेरी प्रोफाइल में जाएं, अमेजोन के लिंक में जाएं, वहां जाके आप सर्च बार में आई प्राइमर लिखेंगे ना, आई प्राइमर, आई बेस के नाम से नहीं है ये, आई प्राइमर के नाम से है। आई प्राइमर लिखेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें 3 कलर्स आते हैं। जी आप कंसीलर भी यूज कर सकते हो आई बेस के लिए। लेकिन समटाइम क्या होता है, जैसे हाइड्रेटिंग कंसीलर होते हैं ना, वो अगर आप आई बेस पे यूज करोगे ना, तो उसमें क्रीज आ जाएगी, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। जो ड्राई वाले कंसीलर होते हैं या फुल कवरेज कंसीलर होते हैं, अगर उनको आप आई बेस पे यूज करोगे ना एज आई बेस, उसमें फिर भी जल्दी क्रीज नहीं आती है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है ना कि अगर आपकी आई पे कंसीलर सूट कर रहे हैं या नहीं। अगर कंसीलर सूट नहीं कर रहे हैं, जाहिर है फिर वो क्रीज कर जाएंगे, फिर आपका बना बनाया सारा मेकअप लुक जो है ना, वो खराब हो जाता है। ये बेस है ना, इसमें क्रीज नहीं आती, तो इसी वजह से मैं तो फिर अब यही यूज कर लेती हूँ। मैं भी पहले कंसीलर यूज करती थी, उससे क्या होता था, हर वक्त नहीं, लेकिन कभी 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 मेरी बेस में क्रीज आ जाती थी आई बेस में। फिर आई मेकअप जाहिर खराब हो जाता, रून हो जाता, वहां से मैंने फिर छोड़ दिया कंसीलर यूज करना। ये जैसे एले गर्ल के कंसीलर है ना, जैसे ये ऑरेंज वाला कंसीलर है, इसमें अगर आप बेज वाला यूज करोगे ना, वो अच्छा है। उसमें उसमें भी जल्दी क्रीज नहीं आती है। या फिर ये जो मेबिलिन सुपर स्टे है, ये भी फुल कवरेज कंसीलर है ना, ये भी अच्छा है। थैंक यू अमन कौर, थैंक यू। ये देखें जी, मेरी आई बेस हो गई है सेट। अभी मैंने ट्राई करना है वो ब्लैक वाला शेड। ड्राई स्किन के, ड्राई स्किन का यार मैं फिर अभी कोई वीडियो ही बनाऊंगी। अदरवाइज मेरे प्रोफाइल में है काफी सारे वीडियोस भी, आप वो भी चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच आप में से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मैंने मेकअप की सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस स्टार्ट की थी। अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो क्लासेज में, तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, कर सकते हैं। डेफिनेटली क्लासेज जो है वो फ्री नहीं है, पेड क्लासेज हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। ये मेरे पास ब्यूटी बे का पैलेट है। ये कल मुझे ब्लैक वाला शेड बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा था मैं डेफिनेटली इसको भी ट्राई करूंगी। लाइक मैं ये वाला ब्लैक शेड, इसके साथ ये शेड और ये पम्पकिन शेड, ये ट्राई करना चाह रही थी। तो कल तो मैंने वो दूसरा वाला यूज किया था, लेकिन पम्पकिन शेड मुझे बहुत पसंद आया था। बड़ा ही न्यूट्रल सा, पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा था पम्पकिन शेड। तो आज मैंने फिर पम्पकिन शेड की वजह से ही ब्लैक शेड यूज करना है। मैं लूंगी एक राउंड वाला ब्रश, ठीक है, ये मेरे पास राउंड वाला ब्रश है। इसके ऊपर मैं लूंगी ये ब्लैक वाला शेड। ये ब्यूटी बे का पैलेट है, मैंने ये लिया था ब्यूटी बे की वेबसाइट से। अगर आपको ब्यूटी बे का नहीं पता, आप उसको गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्ले स्टोर से जाके ब्यूटी बे की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। समटाइम वहां सेल में भी बड़ी अच्छी चीजें मिल जाती हैं आपको। अगर आपको मेकअप वगैरह में इंटरेस्ट है या स्किन केयर की चीजें आपको अच्छी लगती हैं यूज करना, तो आप ब्यूटी बे की वेबसाइट डाउनलोड कर लें। नहीं, वेबसाइट नहीं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। ये पैलेट भी बड़े अच्छे रीजनेबल प्राइस में थे, लाइक एक्सपेंसिव नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। फ्रैकल्स का क्या बताऊं, क्या बताऊं फ्रैकल्स का कुछ। ये देखिए राउंड वाले वेबसाइट नहीं डियर, वेबसाइट भी है, लाइक वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हो। ब्यूटी बे, BEAUTY, ब्यूटी फिर BAY, बे, ब्यूटी बे, ठीक है। उसको आप सर्च कर लो गूगल पे जाके, उनकी वेबसाइट भी आ जाएगी। अदरवाइज मैं कह रही थी इनकी ना एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर से जाके आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। कंसीलर को आईलिड पे सेट करने के लिए पाउडर से सेट करने का पूछ रहे हो। और ये जो आप मुझे जो लेडी अभी पूछ रही थी ना फ्रेकल्स का, यार आप ना फ्रेकल्स को ऑरेंज कलर कोरेक्टर से ही कवर करते हो। फ्रेकल्स को भी, ये जो मैंने ऑरेंज कलर कोरेक्टर भी अपनी आई पे लगाया था ना इनर कॉर्नर में, उसी कोरेक्टर को आपने लगाना है, उसी के साथ कवर होगा।
पाकिस्तान में है पैलेट। चलें जी, इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मैंने ब्लैक वाला शेड अप्लाई करना है। डैब डैब करके मैंने इसको अप्लाई किया ताकि इसकी थोड़ी सी पिगमेंटेशन और ब्लेंडिंग अच्छी हो जाए। पाउडर के साथ ये देखो, मैंने अभी आई बेस लगाया था ना, मैंने आई बेस को पाउडर के साथ सेट नहीं किया, ठीक है। पाउडर के साथ जब आप सेट कर लेते हो ना, तो आपका कंसीलर या आई बेस जो है वो ड्राई हो जाता है, समझ रहे हो। लाइक जब गीला गीला होता है तो वो थोड़ा सा टैकी सी फॉर्म में होता है, जब ड्राई हो जाता है ना उसके ऊपर, एक तो आपकी आई शेडोज की पिगमेंटेशन उतनी अच्छी नहीं आती है, उतने पिगमेंटेड आपके आई शेडोज नहीं लगते हैं, उससे उसके अलावा ना उतने ज़्यादा वो स्टिकी या लॉन्ग लास्टिंग नहीं लगते हैं अगर आप पाउडर से सेट कर लेते हो अपनी क्रीजिस को पहले, आई बेस को। तो बेटर है कि पाउडर से ना सेट करो। ये जो मैं आई शेडो लगा रही हूँ ना, ये भी पाउडर फॉर्म में ही है, मीन्स जब मैं आई शेडो लगाऊंगी अपने कंसीलर पे तो वो साथ ही सेट हो जाएगा, तो सेपरेटली आपको पाउडर से सेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी पहले पाउडर से ही सेट करती थी, इसी वजह से मेरे आई शेडोज़ की ना पिगमेंटेशन ज़्यादा नहीं आती थी। जब मैंने सेट करना छोड़ दिया तो अभी देखो आई शेडो की पिगमेंटेशन कितनी अच्छी आती है। आप में से जो लोग लाइव सेशन पूरा नहीं देख सकते या जिनसे मिस हो जाता है ना, मैं लाइव सेशन को बाद में डाउनलोड करके ना यूट्यूब पे भी डाल देती हूँ। होता तो पूरा पूरा लाइव सेशन ही है वो, जैसा पूरा यहाँ पे है वैसे ही पूरा वो वहाँ पे डाल देती हूँ, क्योंकि उसको एडिट करने में तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी आप में से जो लोग सीखना चाहते हैं मेकअप, उनके लिए फिर बेटर है कि वो पूरा वाला लाइव सेशन ही देख लें, ताकि वो सारी ब्लेंडिंग और ये सब चीज़ें वो इजीली देख सकें। जैसे पहले मैं वीडियोस बनाती थी तो मुझे काफ़ी लोग कहते थे कि आप ब्लेंडिंग वाला पार्ट तो वीडियो में दिखाती नहीं है, वही तो मेन काम होता है ब्लेंडिंग का, वही आप स्किप कर देती हैं। और अब क्या होता है, वीडियो इतनी छोटी सी होती है टिकटॉक वाली, अभी तो खैर 3 मिनट वाली आ गई है, लेकिन फिर भी 3 मिनट वाली वीडियो में भी अगर सिर्फ आई मेकअप दिखाएंगे तो सिर्फ आई मेकअप ही होगा उसमें, और कुछ नहीं हो सकता। 3 मिनट की वीडियो इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाती है, इसी वजह से मैं पूरा पूरा सेशन ही वहां डाल देती हूँ, ताकि आप में से जिनका इंटरेस्ट है तो वो वहां जाके देख लें। अभी देखिए ये ब्लैक वाला शेड मैंने अप्लाई कर लिया, अभी ब्लैक शेड के पास मैंने ये ब्राउन वाला शेड अप्लाई करना है, इसका नाम है कैरामल सॉस, ये वाला शेड, ठीक है। अभी मैं ये वाला अप्लाई करूंगी, उसके बाद मैं ये पंपकिन शेड अप्लाई करूंगी। रिव्यूज बाय अनम नेम है मेरा यूट्यूब में, ये जो नेम है ना रिव्यूज बाय अनम, इसी नेम से यूट्यूब है, इसी नेम से इंस्टाग्राम है, इसी नेम से टिकटॉक है, ठीक है, तीनों सेम नेम है। अब यहां पर मैंने ये ब्राउन शेड ले लिया, इसको भी मैं यहाँ पे हल्का हल्का डैब डैब करके अप्लाई कर दूंगी। पैलेट में यूज कर रही हूँ ब्यूटी बे का, फेरी पैलेट है। ब्राउन और ब्लैक को मैंने यहां से ब्लेंड करना है। शेड को देखिए, मैं आंख तक पूरा अंदर नहीं लेकर जा रही हूं, शेड सिर्फ मेरा बाहर बाहर ही यूज हो रहा है। ब्लैक और गोल्ड कर तो सकते हैं, ब्लैक और गोल्ड, लेकिन मैं गोल्ड नहीं कर रही हूं, मैं ब्लैक के साथ जरा ब्राउन का टच दे रही हूं। पहले शेड को मैंने डैबिंग मोशन में अप्लाई किया है, उसके बाद फिर मैं से कर दूंगी ब्लेंड। आई पैलेट लेते वक्त क्या चीजें देखो आप, आई पैलेट लेते वक्त आप देखो कि आपके उस पैलेट में थोड़े से ब्राइट वाले शेड भी हों, न्यूट्रल वाले शेड भी हों, शिमर भी हों, और थोड़े से पैलेट में ग्लिटर भी हों। लाइक जो मैं पैलेट रेकमेंड करती हूँ ना, वो मुझे जिसमें थोड़े से न्यूट्रल वाले शेड और सारा कुछ मिल जाता है, वो मुझे ये वाला पैलेट अच्छा लगता है, ठीक है। ये प्रोफ्यून का पैलेट है, इसमें लाइट शेड भी हैं, डार्क भी हैं, शिमर भी हैं, ग्लिटर भी हैं, और इस साइड पे ब्रॉन्जर भी हैं। यूजर 796 जो भी आपका नंबर है, अगर आपको बकवास लग रहा है तो आप अपनी बकवास बंद करके चले जाएं फिर। हम कौन सा आपके घर जाके आपको दावत देके आए हैं कि आप आए हमारा मेकअप देखें और फिर हमें बताएं कि वो बकवास है या नहीं। ब्लैक कलर के साथ, या ब्लैक कलर के साथ कोई भी कलर चल जाता है, जो भी कलर चल जाता है ना वो बड़ा अच्छा चलता है।
आई ब्रशेस आप यूज कर सकते हो। ये जैसे मेरे पास है ना, ये MSQ के ब्रशेस हैं, मैंने अमेजोन से लिए थे, ठीक है। इनका प्रोफाइल में लिंक दिया हुआ मैंने। ओह थैंक यू आयशा। नहीं, यस्टरडे वाला लाइव सेशन मैंने यार अभी अपलोड नहीं किया, करूंगी, टाइम नहीं मिला, लेकिन मुझे जैसे टाइम मिलता है ना, मैं उसको अपलोड कर देती होती हूँ। उससे पहले वाले सारे लाइव मैंने अपलोड किया, मैं जैसे इसका टाइम मिलेगा तो इसको भी अपलोड कर दूंगी। हाँ, ये काफी सारे लोगों को ना मेरा मेकअप बकवास लगता है, बकवास। ये वो लोग हैं ना जिनसे बेचारों से खुद होता नहीं है ना मेकअप, इनको आता नहीं है, फिर इनको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है, अच्छा कोई दूसरा बंदा मेकअप कैसे कर लेता है यार, हमसे तो होता ही नहीं है। चलो अब हमसे नहीं होता ना, अब इनको भी कहते हैं कि ये भी बकवास करेंगे, शायद ये भी छोड़ दें। ये देखा, ये वही फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो मेरी वीडियोज रिपोर्ट करते हैं जाके। कल वाला मेकअप अच्छा था ना? कल वाले मेकअप में मुझे काफी सारे लोग कह रहे थे आपने ना ग्लिटर क्यों लगाया, ग्लिटर लगा के आपने रून कर दिया मेकअप लुक, मैट अच्छा लग रहा था। तो वैसे लग तो रहा था मैट भी अच्छा, लेकिन ग्लिटर लगा के भी ना बड़ा प्यारा लग रहा था। आयशा सही कह रही हूँ ना मैं? ये बस ये जो लोग ऐसा कह रहे हैं ना, ये बकवास है, मेकअप अच्छा नहीं लग रहा, जोकर मेकअप है, इनको ना जरा पकड़ के दो दो लगाने वाली हुई हुई है, दो दो लगेंगी ना इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इनके ना इनके दिमाग का स्क्रू थोड़ा सा ना लूज हुआ है। चलें, जिस तरह से आई शेडो को मैंने ब्लेंड कर दिया ब्लैक और ब्राउन के साथ, अब मैं लगाऊंगी यहाँ पम्पकिन शेड। हाँ ना, ग्लिटर के साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। नहीं, कल वाला मेकअप मैंने अभी यूट्यूब पर डाला नहीं है यार, मैं डालूंगी थोड़ा सा, बस मैं फ्री हो जाऊं फिर मैं इंशाल्लाह डालूंगी। वो पता है मेरी ना वो मेकअप की क्लासेस चल रही होती है ना साथ साथ, तो बस घर का काम कर लो, वीडियो कर लो, लाइव सेशन कर लो, फिर मेकअप की क्लास कर लो, तो वो उसमें ना टाइम नहीं निकलता। तो जैसे मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ ना, कहीं से टाइम मेरे से निकल जाए, तो फिर मैं फौरन से पहले वही डालती हूँ। अभी मैं ये यूज करूंगी पम्पकिन शेड, ठीक है। मैंने ब्लैक के साथ ये ब्राउन वाला सा शेड यूज किया था, अब ये पम्पकिन यूज करूंगी। हाय इकरा, कैसे हो आप? थैंक यू एवरीवन, यार थैंक यू सो मच, आप में से जिन लोगों को मेरा मेकअप अच्छा लगता है, या आप लोगों को देखो अच्छा लगता है ना, आप में से काफी सारे लोग सीखते भी हो, आप में से काफी सारे लोगों का खुद भी देखो इंटरेस्ट है मेकअप में, है ना। आप लोगों का दिल करता है कि अच्छा भाई कोई हमारे सामने मेकअप कर दे, या हमें कोई बता दे, या हमें डिटेल से कोई समझा देगा तो शायद हमें भी समझ आ देगी, हम अच्छा मेकअप कर लेंगे। इसी वजह से मैं भी लाइव आ जाती हूँ कि चलो यार, जो लोग पेड क्लासेस नहीं ले सकते हैं, अगर मैं ऐसे लाइव सेशन में जाकर लाइव मेकअप कर लेती हूँ, हो सकता है उनको इसी से भी कुछ समझ आ जाए। क्योंकि मुझे काफी सारे लोगों के ना मैसेज आते हैं, आप क्लासेस पेड क्यों लेती हैं ना, फ्री क्लासेस क्यों नहीं देती? आप कहीं से भी कोई काम फ्री नहीं करवा सकते, आपने कहीं से भी कोई काम करवाना है ना, वो पेड ही होता है, वो फ्री नहीं होता। मैं क्लासेस भी कैसे फ्री दे सकती हूँ, वो भी स्पेशल टाइम निकाल कर। दिन में दो तीन मेरी क्लासेस होती हैं, 1 आवर की, कोई 2 आवर की, कोई 1.5 आवर की, तो मेरे 5-6 घंटे जो है क्लासेस में जाते हैं। अब इतना टाइम तो नहीं होता ना, 5-6 घंटे आप किसी को फ्री बिठा के सिखाते रहो, ये मैं अभी यहाँ पे जो 2 आवर देती हूँ ना वो फ्री है। हाँ जी, मैं यहाँ से ब्रश को ऐसे कर रही हूँ, टैप कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा पाउडर जो है ना वो निकल जाए। मेरी लाइट का कलर अच्छा नहीं लग रहा था, व्हाइट व्हाइट लग रहा था, मुझे येलो वाला अच्छा लगता है। ये हो गया मेरा येलो टोन ऑन। पैलेट में यार ये ब्यूटी बे का पैलेट यूज कर रही हूँ, फेरीज का नाम है। यहाँ पे मैंने अब ये पम्पकिन वाला शेड अप्लाई किया, पम्पकिन शेड को मैं अब हल्का हल्का बस ऐसे ब्लेंड कर दूंगी ब्लैक और ब्राउन शेड के साथ, ताकि वो सेम शेड बन जाए। कलर कोरेक्टर मैं ये ऑरेंज वाला यूज करती हूँ, एले गर्ल का। अगर आपको ज्यादा वो नहीं है तो व्हाइट लाइट अच्छी थी, येलो नहीं अच्छी लग रही। अच्छा, मुझे वो बहुत व्हाइट व्हाइट लग रहा था, मैंने येलो कर दिया। ये ठीक है, इसमें अच्छा नजर आ रहा है। हाँ, वो ऐसे ही हो जाता है ना, जब आप फाइनल लुक करते हो तो फाइनल लुक ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे जब लुक स्टार्ट हो रहा होता है ना, तो समझ नहीं आती यार क्या लुक है, क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, तो फाइनल लुक का जरा वेट कर लिया करें, फाइनल लुक अच्छा ही हो जाता है। चलो ये वाली लाइट अच्छी है तो ठीक है, मुझे ना ये व्हाइट व्हाइट लग रही थी, मैंने सोचा येलो ऑन कर लूँ। अभी अगर बिना लाइट के करूंगी तो फिर आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा, लाइट जरा सामने से आती है ना, फेस पे पड़ती है, आई शेडोज पे पड़ती है, तो वो प्रोमिनेंट नजर आता है।
वरना मुझे लाइट ऑफ करके भी मेकअप करने में मसला नहीं है। काफी सारे लोगों को लगता है, पता नहीं मैं खूबसूरत लगने के लिए लाइट ऑन करती हूँ, या मुझे पता नहीं गोरा लगने का बहुत शौक है इसीलिए मैं लाइट ऑन करती हूँ। भाई बात को समझा करें, मैं लाइट इसीलिए ऑन करती हूँ ताकि आपको आई शेडोज अच्छे नजर आए, आपको मेकअप जो लगा रही हूँ बता रही हूँ वो हर चीज अच्छी नजर आए। बिना लाइट के नजर ही नहीं आता, फिर वो छत वाली लाइट है उसमें क्या नजर आएगा? लाइट जला के थोड़ी हम कोई खूबसूरत हो जाएंगे, हम तो पैदाइशी खूबसूरत है। आपकी ब्रेक खत्म हो रही है, कोई बात नहीं, आप बाद में इसको यूट्यूब पे देख लेना, 1-2 दिन तक मैं इसको डाल दूंगी, या पॉसिबल है आज मैंने अगर कल वाला लुक डालना है तो इसको भी साथ में ही डाउनलोड करके डाल दूंगी। ठीक है, अभी यहां से ये देखो, ये सारा ये जो ब्लैक वाला एरिया ना, इसको मैं कट क्रीज करके नीट करूंगी। यहां पे थोड़ा सा ब्लैक शेड और अप्लाई कर लूं, थैंक यू आयशा, थैंक यू आयशा, थैंक यू सो मच। बिगिनर्स को आई मेकअप करना, बिगिनर्स के लिए मेरे ख्याल से मैंने 1-2 वीडियोस बनाई हुई है उसमें मेरे प्रोफाइल में, हल्के हल्के मेकअप की, क्योंकि अगर बिगिनर्स वाला मेकअप ही है ना, अगर आपको मेकअप करना है तो जाहिर है सारी चीजें आपको यूज तो करनी पड़ती हैं। जैसे मुझे नो मेकअप मेकअप लुक की समझ नहीं आती, चीजें तो सारी यूज होनी होती हैं, फिर वो नो मेकअप मेकअप लुक वाला लुक आता है, या वो जो नेचुरल मेकअप होता है, पता नहीं क्या। कोई कोई चीज है जो मुझे बहुत कंफ्यूज करती है, नेचुरल मेकअप में, नो मेकअप मेकअप लुक में। चले जी, मैंने ब्लैक शेड को थोड़ा सा और अप्लाई कर लिया बाद में ब्लेंडिंग के बाद, ताकि उसकी पिगमेंटेशन जो है ना वो हमारे पास अच्छी हो जाए। सिर्फ आई मेकअप है जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बाकी वाला मेकअप तो हो जाता होता है जल्दी जल्दी, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। आई मेकअप का ही काम होता है, इसी को जरा ध्यान ध्यान से करना होता है भाई, और फिर मुझे लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं आप 2 घंटे से बस आई मेकअप ही कर रही हैं, इतनी देर में तो हम आई मेकअप करके लाइक फुल फेस मेकअप करके बाहर से घूम फिर के भी आ जाते हैं। मेरे कल वाले लाइव सेशन में भी कोई कह रहा था आप अभी तक मेकअप ही कर रही हैं, इतनी देर में हम बाहर से घूम फिर के भी आ जाते हैं, क्योंकि हम मेकअप स्टफ यूज करते हैं। ब्यूटी बे की एप्लीकेशन, हाँ, ये आज वाला लुक बहुत प्यारा हो जाएगा। मैं जब कल वो वाला लुक कर रही थी ना, तो तब मेरे माइंड में ये वाला आ रहा था, मैंने कहा था यार अच्छा इसमें जो ब्लैक शेड है मैं वो भी यूज करूंगी, ब्लैक शेड उसके साथ ये मैं ब्राउन और पंपकिन यूज करूंगी थोड़ा स्मोकी टच देने के लिए। तो वैसे तो मैं शायद लाइव ना आती क्योंकि थोड़ा बिजी भी थी, सिर्फ वो जो लुक मेरे माइंड में था ना उसको कंप्लीट करने के लिए मैं लाइव आई थी। डैब डैब करके इसको मैं यहां से कर दूंगी ब्लेंड, ताकि जो ब्लैक शेड मैंने दोबारा अप्लाई किया था उसके एजेस भी ब्लेंड हो जाए। अभी मैं करूंगी फ्रंट वाले एरिया को थोड़ा सा नीट, ताकि यहाँ पे ये जो कॉर्नर में हमारे पास ब्लैक ब्लैक से एक्स्ट्रा शेड आ गया ये सारा रिमूव हो जाए। ठीक है, माइसिलर वाटर पे और क्यूटिप पे लिया मैंने, यूट्यूब चैनल का नेम यही है रिव्यूज बाय अनम। हाँ जी, जिनको मेकअप करना पसंद हो, तो आयशा सही कह रहे हो, और दी लॉन, थैंक यू सो मच। यहां से ना मैंने देखो कट क्रीज कर लिया, कट क्रीज को मैंने बिल्कुल हाफ आई तक किया, क्योंकि मुझे बिल्कुल इसको एंड तक नहीं लेके जाना, हाफ हाफ तक किया ताकि ये जो एक्स्ट्रा वाला ब्लैक वाला प्रोडक्ट यहाँ आ गया इसको मैं रिमूव कर दूँ। अगर ये यहाँ ना आता तो शायद मैं इसको रिमूव भी ना करती, लेकिन अब ये आ गया तो डेफिनेटली इसके ऊपर मैं ऐसे शेड अप्लाई नहीं कर सकूंगी, इसको मुझे रिमूव तो करना पड़ेगा। इसी वजह से क्यू टिप लिया है मैंने, थोड़ा माइसिलर वाटर लिया है, और जो मेस वाला पार्ट है ना वो मैंने अब रिमूव कर दिया।
रिमूव करने के बाद वापस मैंने इसके ऊपर लगाना है कंसीलर, ताकि हम अपना पम्पकिन वाला शेड यूज कर सकें। उस पम्पकिन शेड ने मुझे आखर मचाई हुई है। पम्पकिन शेड ने, मैंने सोचा था मैं उसको आज फ्रंट पे अप्लाई करूंगी जैसे कल यूज किया था ना, सब मुझे कह रहे थे आपने कंसीलर वो ग्लिटर क्यों लगा लिया, पम्पकिन शेड ऐसे बहुत प्यारा लग रहा था, वही करूंगी मैं आज। आज मैं उसके ऊपर ग्लिटर नहीं अप्लाई करूंगी, आज करूंगी मैं अकेला पम्पकिन शेड। कसम से मेरा कंसीलर नहीं मिल रहा। चले जी, अब ये मेरा कंसीलर है, कट क्रीज जहां जहां मैंने किया वहां वहां मैंने कंसीलर लगा देना है। मैंने एक्चुअली मैं कट क्रीज करना नहीं था, वो शेड आगे आ गया, इसी वजह से मुझे रिमूव करना पड़ा। अब मैं यहाँ पे लगा दूंगी कंसीलर। अगर आप ऐसे कंसीलर भी लगाते हैं ना और आपको लगे कि कंसीलर में आपकी क्रीज आ रही है, कंसीलर को लगाने के बाद ना अच्छे से उसको जरा डैब डैब करके ड्राई होने दिया करें। पाउडर लगा के ड्राई नहीं करना, डैब डैब करके ड्राई होने दिया करें, लाइक वो अपने में खुद ही ड्राई हो जाए। उससे ना फिर आपकी क्रीज नहीं बनती है। ये मेरे पास कंसीलर ब्रश है। आपने फातिमा कल वाला मिस कर दिया? नहीं, फैमी माइसिलर वाटर होता है यार, जो मैंने आइस के लिए यूज किया था ना रिमूव करने के लिए, वो माइसिलर वाटर है। कल वाला मेरा यूट्यूब पे आपको मिलेगा। मैं आज इस वाले लाइव सेशन के बाद मेरी क्लास है एक, उस क्लास के बाद फिर मैं उसको ना लाइव सेशन को अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे। ये वाला लाइव सेशन जो अभी चल रहा है ये भी, और दूसरा वाला भी। आप लोग प्लीज मेरा यूट्यूब जरा शेयर भी कर दिया करें, मेरे यूट्यूब पे भी व्यूज नहीं है, जरा मेरा चैनल शेयर कर दिया करें, थोड़ा सा वो व्यूज में आ जाए। व्यूज नहीं आते हैं, मीन्स हमें कोई देखना पसंद नहीं करता। यार देख लिया करो, इतनी काम की चीजें होती हैं स्पेशली लाइव सेशन में, क्योंकि वो बड़ा लॉन्ग होता है ना, उसमें हर चीज हर बात तो बड़ी डिटेल से चल रही होती है। जिन जिनको आपको लगता है ना कि मेकअप सीखने का दिल करता है, आपके फ्रेंड्स में, फैमिलीज में कहीं, आप उनके साथ भी मेरा चैनल शेयर किया करो। कट क्रीज का आपको हार्ड लगता है? अच्छा, कट क्रीज का ना मैं स्पेशल कोई वीडियो बना दूंगी कट क्रीज के लिए। अभी मैंने कट क्रीज करना नहीं था, वो तो मेरा थोड़ा सा आगे से ना मेस हो गया, तो मैंने उसको क्लीन करने के लिए उसको थोड़ा सा आगे से रिमूव कर दिया। इसी वजह से ना मैंने कोई यहाँ पे शेप नहीं बनाई है कट क्रीज की। ये वाला ब्रश पेंट, पेंट वाला ब्रश है ये बड़े फ्लैट, बड़े चिपटे, बड़े अच्छे बने होते हैं ना, अमेजोन से मिल जाते हैं, जो पेंटिंग वाले ब्रश होते हैं ना, ये वो है। बड़े मजे का यार, इतना इतना कम प्राइस में इतना अच्छा ब्रश है। देखो, महंगी चीजों की तरफ ना जाया करो, बस जो चीजें अच्छा वर्क करे ना उन्हें लिया करो। सामने हम देखा देखी ना महंगी महंगी लेने लग जाते हैं, शायद ना महंगी लेंगे तो अच्छा है। आपको भी नाइमा मेकअप क्लास लेनी है ना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको फ्लायर सेंड करूंगी। अदरवाइज आई थिंक मेरा फ्लायर जो है स्टोरीज वगैरह पे डाल के रखती हूँ मैं, ताकि किसी ने देखना तो वो वहीं से देख ले। अभी मैं अपने ब्रश पे लूंगी पम्पकिन वाला शेड, और पम्पकिन शेड को मैं करूंगी डैब इनर कॉर्नर में। हाँ जी, पम्पकिन शेड ब्यूटी पैलेट से है, ब्यूटी बे की पैलेट से है, ये वाला शेड है। और ये वाला मेरे पास ब्रश है, ये ब्रश मेरे बॉक्सी चार्म के उसमें आया था, बॉक्स में। बॉक्सी चार्म पे भी मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप में से जो लोग बॉक्सी चार्म पे ऑलरेडी साइन अप हैं उनको तो पता होगा कि बड़े मजे मजे के प्रोडक्ट्स आपको आ जाती है, वो भी इतने कम प्राइस में। वो डिपेंड करता है कि आप बॉक्स कौन सा ले रहे हो, जो उनका मिनिमम बॉक्स है वो $25 प्लस टैक्स में है, उसके बाद आई थिंक $35 प्लस टैक्स में है उनका लक्स वाला बॉक्स, उसमें भी आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आती होती हैं सारी, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की, अपकमिंग ब्रांड्स की, न्यू ब्रांड्स की, या ओल्ड वाले ब्रांड्स की, सब की मिक्स करके ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं। वैसे अगर आप एक एक चीज़ लेने भी जाओ ना तो अच्छी खासी महंगी है, बॉक्सी चार्ट में ज़रा आपको अच्छी प्राइस में मिल जाता सब। यहां से बस मैं इसके एजेस को जरा ब्लेंड कर दूं।
पता नहीं अभी अच्छा लग रहा होगा आपको या नहीं, लेकिन मेरा बहुत दिल कर रहा था ब्लैक के साथ ये कलर यूज़ करने का, तो मैंने सोचा था अच्छा मैं लाइव में जाके ही यूज़ करूँगी फिर। अच्छा लग रहा है। ओह थैंक यू यार, दिल रख लिया आप लोगों ने मेरा। कहीं मैं अकेली बोंगिया नहीं मारी जा रही थी ब्लैक के साथ ये मिक्स कर। बस अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ना, तो फिर आप लोग देखना कि ये फाइनल में भी अच्छा लगेगा। हेलोवीन लुक, हाँ आप हेलोवीन पे भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, मेकअप हर जगह पे अलाउ होता है। हेलोवीन पे करो, किसी की शादी पे करो, घर में करो, घर से बाहर करो, कर लो बस, सड़ो नहीं, सड़ सड़ के ना खत्म हो जाना। नहीं बुरा नहीं लग रहा यार, अच्छा लग रहा है। यार मैं क्या करूं। मुझे लगता है कुछ लोगों ने ना बेचारों ने ऐसे जल जल के खत्म हो जाना है। कुछ नहीं जाना यार आप लोगों का, ना जला करो। अच्छा लग रहा है, बस अभी हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हाइलाइटर मैं फिलहाल इसी पैलेट में से यूज़ करने लगी हूँ, ताकि ब्रो बोन को ज़रा मैं हाईलाइट करूँ। इसमें से मैं ये वाला शेड यूज़ करने लगी हूँ, ऑल दैट ग्लिटर्स। ये देखें ये वाला शेड बड़ा प्यारा सा शिमरी सा शेड है, इसको एज अ हाईलाइटर भी यूज़ किया जा सकता है। ये जो शिमरी वाले शेड होते हैं ना, इनको आप बड़ा इजीली एज अ हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू एवरीवन, जिनको भी शेड अच्छा लगे। जिनको नहीं अच्छा लगा ना, उनका भी मुझे मसला नहीं है कि उनको क्यों नहीं अच्छा लगा, लेकिन क्योंकि अपनी अपनी चॉइस होती है ना सबकी, वो मैंने पहले भी कहा, तो मुझे ये चीज़ बॉदर नहीं करती कि किसी को अच्छा लग रहा है या किसी को बुरा। लेकिन बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिनको बुरा लग रहा होता है ना, वो ये ना समझा करें कि ये है ही बुरा। अगर आपको बुरा लग रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबको भी बुरा लग रहा है। किसी ना किसी को वो अच्छा लग जाता है, सबके लिए नहीं बुरा होता। ये हो गया हमारा हाइलाइटर। नहीं आज मैं ग्लिटर नहीं अप्लाई करूंगी, कल मैंने ग्लिटर अप्लाई करके बहुत से लोगों के दिल तोड़ दिए थे। आज मैं इसको मैट ही रहने दूंगी। अब आप ग्लिटर का नाम ना लो, आपको पता मुझे ग्लिटर बहुत पसंद है, मुझे बड़ा मजा आता है ग्लिटर लगा के। ऐसा ना मेरा ग्लिटर लगाने का दिल करने लग जाए। हाउ ओल्ड आर यू? 32। फोर्टीन अगस्त का लुक हाँ करूंगी। हेलोवीन आइज, हेलोवीन आइज, ओके मेरी जान, हेलोवीन ही सही। आइज तो है ना, आइज तो मेरी है ना। ये हो गया हमारा हाइलाइटर इनर कॉर्नर्स में भी। अब मेरे जैसी दिखती 35, और 35 हो तो कोई बात नहीं यार, और 2-3 साल में, 2-3 सालों में आ रही मैं 35 में। कितनी देर में रह लूंगी, 32 की 35 में जाना है। चले जी अब हम यूज करेंगे आई लाइनर। आई लाइनर में यूज करूंगी एले गर्ल का जेल आई लाइनर, वो जरा जल्दी लग जाता मेरे से। लिक्विड आई लाइनर मेरा खत्म हुआ है और मैंने बाय नहीं किया। जो खत्म हो गया खत्म हो गया। चलिए जी मेरे पास एले गर्ल का जेल आईलाइनर है।
पम्पकिन थीम। ओ अच्छा ठीक है, चलो ठीक है जाओ, माफ किया, पम्पकिन थीम कबूल कर लिया मैंने। मुझे लगा शायद मेरा मेरे आई शेडो का मजाक उड़ा रहे हो। हाय आंटी जी, कैसे हैं आप? बेटा जी मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे मैं ठीक हूँ। आईलाइनर मेरा जेल आईलाइनर है ना, ये ड्राई हो जाता है, तो इसको मैं थोड़ा सा पहले वो डाल लेती होती हूँ। आईलाइनर में डालूंगी इंग्लो ड्रॉप, इंग्लो ड्रॉप ये है, इंग्लो ड्रॉप आप एक ड्रॉप डालें और हर चीज़ सॉफ्ट। आई शेडो पैलेट मैंने ब्यूटी बे का यूज़ किया है, फेरी पैलेट। किस कलर की ड्रेसेस के साथ आई मेकअप अच्छा लगेगा मेरी जान? किसी भी ड्रेस के साथ ये आई पैलेट यूज़ किया है मैंने, फेरी नाम है इसका, खुल के ही ऐसा लगता है। ओ माय गॉड, कितने प्यारे शेड, अल्लाह की कसम। ये देखो ये ग्रे भी कितना प्यारा है ना, ये देखो ये ग्रे के साथ ये भी है ना, कितना प्यारा शेड। आई लाइनर लगाते हैं, मुझे माफ कर देना अगर आप में से किसी को मेरा आई लाइनर टेढ़ा लगा। सबसे मुश्किल काम मुझे लाइफ में आके आई लाइनर लगाना लगता है, वैसे वो आई लैशेज लगाने के बाद नहीं टेढ़ा लगता, बस पहले लगता है, बाद में ठीक हो जाता है। चलो जी आई लाइनर स्टार्ट करें। अब मैं भी टेप यूज करती हूँ यार आईलाइनर लगाने के लिए हिबा, लेकिन मेरी टेप खत्म हुई हुई है, दूसरी टेप जो है ना वो स्टोर रूम में पड़ी हुई है, तो मेरे पास टाइम नहीं निकल रहा कि मैं स्टोर रूम में जाके ना टेप उठा के लेके आऊँ। है टेप मेरे पास लेकिन स्टोर में है, आप में से अगर कोई फ्री हुआ तो आ जाना यार, मुझे स्टोर में से टेप निकाल देना। ब्यूटी बे में, ब्यूटी बे क्या क्या के थक गई। सही बात है, ब्यूटी बे वालों को पता भी नहीं है मैं उनके फ्री में प्रमोशन किए जा रही हूँ। ये हो गया हमारा आईलाइनर, अंदर वाला आईलाइनर मैं बाद में बनाऊंगी जब मेरा नीचे वाला लोअर लैश कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया। दूसरी साइड का आईलाइनर भी करूं, साउथ अफ्रीका आईलाइनर मैं एले गर्ल का यूज कर रही हूँ जेल। ब्यूटी बे का फायदा। कसम से देखो यार, फ्री में प्रमोट कर रही हूँ ना, वो कौन सा मुझे पैसे दे रहे हैं कि हाँ जी आप हमारा नाम लो, फिर भी लोगों को लगता है कि मैं पता नहीं मेरा कितना फायदा, हर काम में, हर काम में मेरा फायदा नहीं है, कई काम ना बिना फायदे के भी कर लेने चाहिए जिसमें शायद आप में से किसी का फायदा हो जाए। गुड ब्यूटी ब्लेंडर, यार मुझे ना ब्यूटी ब्लेंडर्स के नाम वगैरह नहीं पता, मैं ऐसे ड्रग स्टोर से भी ले लेती हूँ, अमेजोन से भी, या मैं लास्ट टाइम जब पाकिस्तान गई थी ना मैं वहां से भी ले ले आई थी। वालेकुम सलाम नजमाम, नजमाम आपको लाइनर नजर नहीं आ रहा, वो ब्लैक शेड है ना बाहर, इसीलिए। चलो तो अच्छी बात है, अगर आपको लाइनर नजर नहीं आ रहा तो किसी को टेढ़ा नहीं लगेगा आज, ब्लैक शेड ने मेरी इज्जत रख ली। ये देखो यार थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है,
ऑरेंज ब्राउन, हाँ ब्राउन अच्छी लगेगी इसके साथ। ब्राउन कलर की लिपस्टिक है मेरे पास, वो लगाऊंगी। ये वैसे भी जो न्यूट्रल सा कलर होता है ना वो भी अच्छा लगेगा। चलें जी, आईलाइनर लग गया है। इनर कॉर्नर से आईलाइनर मैं बाद में लगाऊंगी जब मेरा लोअर लैश जो है वो क्लीन हो जाएगा। अभी जल्दी से मैं आईलैशेस लगा लूं। आज मैं आईलैशेस लगाऊंगी ये वाली, ये जो स्मोकी टाइप की आईलैशेस होती है ना, फोक्सी टाइप कह लो या कैट आई के लिए, फ्रंट छोट होता है, बैक साइड इसकी लॉन्ग होती है, ठीक है। जैसा मेरा लुक है उसके साथ ये वाली आईलैशेस बहुत अच्छी लगेंगी। मैं जल्दी से लगा लूँ अपनी आईलैशेस। पहले मैं इसको लगा के ग्लू रख दूँ और उसके बाद मैं लगा लूँगी मस्कारा, ताकि जब तक मेरा ग्लू ड्राई होगा मेरा तब तक मस्कारा भी लग जाएगा। लैश ग्लू मैं ये यूज़ कर रही हूँ, किस ब्रांड का? आईलाइनर ब्रश भी जब मैं यूज़ कर रही थी ना, वो MSQ के ब्रशेस का मैंने सेट लिया था, वो सेट में ही आया था, वो सेपरेट ब्रश नहीं है। जब आप कोई आई ब्रश का सेट बाय करते हो ना, आई मेकअप का सेट, उसमें जो सेट में चीज़ें आती है ना वो सारी, उसमें आईलाइनर भी आता है, ब्रश आता है उसका। लैशेस हराम है? इसके वेंट के ऊपर मैं लगाऊंगी ग्लू। ग्लू मैं यूज कर रही हूं किस ब्रांड का? KISS। ग्लू भी खत्म हो रहा है मेरे पास, एक और था ग्लू आर्डल का आई थिंक, अगर आज मुझे कहीं नजर आ जाए तो। लेकिन ये जो किस ब्रांड का ग्लू है ना, ये बड़ा लॉन्ग लास्टिंग है, इतने ज्यादा देर के लिए आपके आईलैशेस को होल्ड करता है। हंस रहे हो आप सब? हंस क्यों रहे हो? मैं तो अपनी आईलैश पे ना ग्लू लगाने में बिजी, मेरा ग्लू खत्म हुआ हुआ है, ऐसे घुमा घुमा कर मुझे उसमें से ग्लू निकालना पड़ा है। लेकिन चलो गुजारा अच्छा हो गया, आज हमारा ग्लू लग गया। कल मैं बाहर निकलूंगी या आज निकलूंगी तो फिर मैं ग्लू लेकर आऊंगी। चले जी, आईलैश ग्लू मेरा लग गया। अभी जब तक तो मेरा ग्लू ड्राई हो रहा है ना, मैं कलर के साथ जरा थोड़ी सी आईलैश को कर्ल करके मस्कारा लगा लूँ, ताकि हमारा आईलैशेस जो है वो अच्छी हो जाए। मस्कारा मैं यही यूज करूंगी, लोरियल टेलीस्कोप का। हंसने का अपना मजा है। हंसो यार, हंसने से खून भी बढ़ता है। अपने आप हंस रहे हो तो फिर ठीक है, किसी और पे नहीं हंसना चाहिए, वो बुरी बात हो जाती है फिर। लेफ्ट आई पे कहाँ पे, किस साइड पे शेड और ऐड करूं? लेफ्ट लेफ्ट आई कौन सी, आपकी लेफ्ट, मेरी लेफ्ट? ये देखो टेलीस्कोप मस्कारा, इसका इसका ये जो वेंड होता है ना, बड़ा बारीक से होता है, ये बड़े इजीली आई लैशेज पे लग जाता है, लाइक मस्कारा ना फिर आपके मेकअप पे नहीं लगता। चले जी, आई लैशेज मेरे थोड़ी सी ड्राई हो जाएं। हेयर फॉल के लिए कुछ बता दूं यार, आप ना अच्छे से ऑयल यूज किया करो। मैंने पर्सनली खुद तो नहीं यूज किया हुआ, लेकिन मैंने टिकटॉक पे ही कुछ वीडियोस देखी थी, कुछ लोग कुछ ऑयल रेकमेंड कर रहे थे कि उनको रूटीन में यूज करने से ना आपका हेयर फॉल का जो इश्यू है ना वो रिजोल्व हो जाता है। मेरी लेफ्ट ये वाली, इस पे क्या है, कौन सा शेड कह रहे हो इस पे कम है? यार जल्दी बताओ, मेरा ग्लू ड्राई हो रहा है, क्या हो गया मेरी लेफ्ट को?
वालेकुम अस्सलाम फजर, कैसे हो आप? ये मेरा ना लैश का ग्लू ड्राई होता है ना, पहले मैं ये लगा लूँ, बाद में आंख को देखती हूँ। दूसरा काम नहीं आपको? ए दूसरा काम कौन सा? ये दूसरे काम से मुराद आपकी कहीं घर का काम तो नहीं है कि? मुझे घर का काम नहीं है। नहीं डियर, मुझे घर का काम नहीं होता। घर में ना मैंने रोबोट रखे हुए हैं, रोबोट खाना बनाते हैं, रोबोट हमें खाना खिलाते हैं, रोबोट मेरे घर की सफाइयाँ करते हैं। मैं सारा दिन मेकअप करती हूँ, बिजली होती हूँ मैं बिल्कुल। मैं भी अल्लाह का शुक्र है फजर ठीक ठाक। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम सलाम आयशा, कैसे हो आप? जी सांप पे भी लैस लगाई है, इसको क्या था? इसमें ब्राउन शीट कम है ये कह रहे हो? मैंने कहा जिस पे लैस लगाई है उस पे आप क्या कह रहे हो, उसको क्या मसला है? वो आप वो ना मेरी राइट आई है, ये वाली मेरी राइट है। उसके ऊपर पम्पकिन कलर, वो पम्पकिन कलर मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ था, लेकिन वो देखो मैंने वो लगाया ना शाइनर, वो उसके साथ शाइन में चला जाता है रिफ्लेक्ट होके। देखो नजर आ रहा है ना, यहां से देखोगे तो नजर आएगा, ऐसे करूंगी तो हाईलाइटर नजर आएगा। हाय स्वाति, कैसे हो आप? थैंक यू एवरीवन आप सबका जिन्होंने मेरी वीडियो के साथ ड्यूट किया था, ताकि मेरा टिकटॉक जो है वो वापस हयात हो सके। वरना आजकल मेरा टिकटॉक जो है ना वो वेंटिलेटर पर डला हुआ है। बहुत बुरे हालात हैं भाई, बहुत बुरे। ओ ग्लू लग गया। ये जो मैंने हैंड में पकड़ा ये नेल फाइलर है, जिसके साथ आप अपने नेल्स को यूं 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 करते हैं ना, ये वो है। इसका ये वाला पार्ट मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत शार्प है भाई। आप में से कोई यूज करेगा तो अपने रिस्क पे यूज करना बहुत डेंजरस है भाई। मैं तो बड़े आराम से इसको यूज करती हूँ। इसके साथ ना मैं अपनी आई लैश को ऐसे प्रेस कर देती हूँ, वो बिल्कुल आई लैश के सेंटर से जाके ना पीछे आई लैश को अच्छे से चिपका देता है। इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, ऐसे जिंदगी अधूरी अधूरी सी लगती है अगर मेरा फाइलर ना मिले। मीनाक्षी, मैं मीनाक्षी जैसी लग रही हूँ? अरे नहीं यार, मीनाक्षी तो इतनी स्लिम स्मार्ट, इतनी खूबसूरत, इतने स्किनी स्किनी से फीचर है उसके। कॉर्नर को ब्राउन से समझ करूं, अल्लाह की कसम समझ नहीं आ रही है। हाँ स्वाति, आपने मुझे पिक्चर सेंड की थी आपके प्रोफियन के पैलेट की ना, बड़ा मजे का पैलेट है यार, इतनी वैरायटी है उसमें कलर्स की, इतने शेड हैं उसमें। नेल फाइलर का कुछ नहीं, ऐसे नहीं, एक दिन मेरे पास ही पड़ा हुआ था। मैं हालांकि मेरे नेल्स बड़े नहीं है, मुझे बड़े नेल्स पसंद नहीं है, अभी भी इसकी कटिंग करने वाली है। मैं कभी अपने फादर से फोन पे बात करूँ ना, उनको इतने से भी नेल्स नजर आ जाए, कहते बेटा आपने नेल्स नहीं काटे, बस फौजी काटने जा रही थी। उनको ना, उनको हर वक्त मेरे नेल्स इतने से भी नजर आ जाते हैं। मैं खैर काटती तो इससे थोड़े से नीचे नीचे हूँ। मैंने कहा फौजी इससे ज्यादा नेल मैं नहीं काट सकती। नहीं बेटे, इसके साथ ना नमाज नहीं होती, वजू नहीं होता, आप ना नेल काटो, इतने बड़े नेल रखना अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा इससे ज्यादा नहीं कटते मेरे से, मेरे नेल ही ऐसे हैं अब्बा जी, देखे मेरे नेल ऐसे ही है। अच्छा खैर, तो ये फाइलर ना मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मुझे इसका ना एक दिन कर्व बहुत अच्छा लगा। मेरी आईलैश ना यहाँ से अंदर नहीं जा रही थी, कॉर्नर से ना उठी जा रही थी। मैंने फिर ये फाइलर लिया और इसके साथ मैंने प्रेस किया तो वो टक करके जाके चिपक गई। और मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। अभी मैं अगर सेंटर से भी आईलैश कैसे सेंटर से भी लेके जाऊँ ना, ये कोना पीछे जाके आईलैश को ना स्किन के साथ चिपका देता है, इसी वजह से मुझे बहुत पसंद है, मैं तो यूज कर लेती हूँ।
आप नमाज भी पढ़ती हैं? मजाक करिए आप मेरे साथ। अच्छा चलें, ये मैं लगा ली अपनी आई लैशेस, अब मैं लोअर लैश को कवर करूंगी। आप भी फाइलर यूज करोगे तो भाई अपने अपने लिए यूज करना, मुझे नहीं कहना। ये बड़ा इजी रहता है देखो फाइलर, ये जो यहाँ से कर्वी वाला होता है ना, इसके साथ बड़े आराम से आप इसको प्रेस करो, वैसे पीछे जाके चिपक जाता है। यहाँ से करो, फिर यहाँ से करो, शार्प कोना होता है लेकिन है अच्छा, कमाल की चीज है। नहीं आप नमाज कहती हैं? क्या कहती हैं यार, पता नहीं क्या क्या पूछते हो यार। एक ने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एक ने पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सही तरह से क्वेश्चन किया करो ताकि मुझे समझ आ जाए। अब मैं लोअर लैश में मेकअप करने वाली हूँ, लोअर लैश में मेकअप करने के लिए मैं यहाँ वाला एरिया जरा क्लीन कर लूंगी। मानो आप भी सुना दो मेरी जान, आप भी सुना दो क्या कह रहे हो। कोई था डोर पे, मेरा बेटा था डोर पे, अंदर आया था पता नहीं क्या करने, फिर वापस चला गया। हाँ, अगर आपको ये नेल फाइलर मिले ना, है तो बहुत काम की चीज, लेकिन बस ध्यान से यूज करनी पड़ती है। मेरा अकाउंट डियर, मेरा अकाउंट पता क्या, मेरे अकाउंट को सिर्फ रिपोर्ट्स होती हैं, वो रिपोर्ट करके बस मेरी वीडियोस रिमूव करवा देते हैं। सारे लोग किसी एक मेरी वीडियो के पीछे पड़ जाते हैं, उसको रिपोर्ट करते रहते हैं, वो वीडियो मेरी रिमूव हो जाती है। फिर अभी तक तो यही मसला चल रहा है। पिछले दिनों क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा मेरे अकाउंट को जब रिपोर्ट हुई ना, उसके बाद टिकटॉक ने मुझे वीडियो बनाने से ब्लॉक कर दिया। मैं अगर कोई वीडियो बना के अपलोड कर रही थी ना, वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, उस पर लिखा हुआ आ रहा था कि आप रिस्ट्रिक्टेड हो, आपको कुछ दिनों के लिए वीडियो अपलोड करने से ब्लॉक किया गया क्योंकि आपका अकाउंट पे बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग हो रही है। कम्युनिटी गाइडलाइंस में चला गया था वो, इसकी वजह से वो फिर उन्होंने बंद कर दिया। मैं फिर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, 2 या 3 दिन के लिए मैं ब्लॉक थी। तभी मुझे काफी मैसेजेस आ रहे थे कि आप आ नहीं रही हैं, लाइव क्यों नहीं आ रही हैं, आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं। मैं थी ब्लॉक में, क्या करती, लाइव चल रहा था मेरा, लेकिन उन दिनों बिजी थी, लाइव नहीं आ सकी। वीडियो बनाने का टाइम निकला था लेकिन वीडियो अपलोड नहीं हो सकी क्योंकि वो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। तो अभी देखो ना, ये गलत बात है ना, फिर क्यों ब्लॉक करते हैं। अभी अगर मेरा लाइव सेशन है, अभी ऐसा हो गया मेरे लाइव सेशन पे अगर ज्यादा लोग आने लगे, मुझे ज्यादा लोग देखने लग गए, मेरी लाइव सेशन में ज्यादा लोगों का स्टे हो गया, तो अभी फिर काफी सारे लोग मेरा लाइव सेशन भी रिपोर्ट कर देंगे, फिर मेरा लाइव सेशन ब्लॉक हो जाएगा। तो ये मसले हैं ना फिर। ये देखो मैंने इसको फिंगर के साथ ब्लेंड किया, यहाँ पे मेरा ये जो क्रीज की लाइंस है ना, इसको भी मैं जरा थोड़ा सा लिफ्ट करके ना यहाँ पे भी प्रोडक्ट को ब्लेंड कर देती हूँ। रिपोर्ट करते हैं ना, हाँ, लेकिन अब देखो ना मेरे कंटेंट में कोई खराबी तो नहीं है, फिर भी रिपोर्ट। ये मैंने कलर करेक्टर यूज किया एले गर्ल का, इसको मैं अब ब्यूटी ब्लेंडर से जरा ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाए और थोड़ा ड्राई भी हो जाए। फिर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी फुल कवरेज कंसीलर। हाँ, टिकटॉक वाले भी जो रिपोर्ट करते ना, देखते नहीं कि रिपोर्ट हो किसको रही है, कितने लोग हैं जो इतनी वाह हयाती फैला रहे हैं। उन्हें रिपोर्ट करो ना, वो अनॉय कर रहे हैं सबको, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। वो शायद वो वही बात है ना कि शायद जेलसी ही है। देखा जाए तो मेरा तो कंटेंट बुरा नहीं है, वो जेलिसी ही है जिसकी बेस पे मेरे वीडियोस को रिपोर्ट किया जाता है। चलो यार, अल्लाह उनको भला करे। अल्लाह आप लोगों का भी भला करे जो लोग मुझे आके देखते हो। यार थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट का। ये मेरे पास कंसीलर है, फुल कवरेज कंसीलर है मेबेलिन का, नहीं लोरियल का, लोरियल पेरिस फुल कवरेज कंसीलर है। इसको मैं लगाऊंगी अपने इनर कॉर्नर में और थोड़ा सा बाहर। आपका मेकअप ड्राई हो जाता है, एक तो आप हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज करो, हाइड्रेटिंग फाउंडेशन यूज करो, हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज करो, लाइक जो मेकअप फिक्सिंग स्प्रे होते हैं ना, वो भी हाइड्रेटिंग मिलते हैं। जी मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, इसी नाम से रिव्यूज बाय अनम, यही नाम मेरा इंस्टाग्राम पे है, यही मेरा यूट्यूब पे है। लाइव सेशन को मैं अपने यूट्यूब पे भी अपलोड कर देती होती हूँ इन केस कि अगर आप में से किसी के लाइव सेशन मिस हो गए हैं तो वहां जाके यूट्यूब पे देख लें। अभी इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी ताकि एजेस जो है वो क्लीन हो जाए और शार्प हो जाए। थैंक यू सो मच यार, अगर आपने मुझे टिकटॉक पे लाइव देख के सीखा, इसी तरह से और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कहते हैं कि उन्होंने मुझे टिकटॉक पे लाइव देख के सीखा है। तो अगर मेरे से कोई सीख रहा है या मैं किसी के काम आ रही हूँ, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुरी बात है कि मेरे अकाउंट को इस रीज़न से रिपोर्ट किया जाए। डोर बंद करके आ,
जल्दी से। थैंक यू। एक्नी को कैसे ट्रीट करें? एक्नी के लिए सबसे बेस्ट पता क्या है? सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश और सैलिसिलिक एसिड वाला स्किन केयर यूज करो। मुझे भी यहाँ पे थोड़ी थी ना, देखो कितनी अच्छी बैठ गई है सारी, फिर इसके निशान भी नहीं पड़ते। और थैंक यू सो मच डियर, आपको मेरा मेकअप पसंद है, थैंक यू यार। मेकअप ग्रे क्यों लगता है? मेकअप ऑक्सीडाइज होने के बाद ना आपकी स्किन में अंडरटोन के साथ जब मैच नहीं होता ना, फिर वो ग्रे लगने लग जाता है। कलर करेक्टर यूज किया करो, जहां जहां पे आपको लगता है आपकी स्किन का कलर खराब हुआ है या डिसकलरेशन है, वहां वहां पे ना कलर करेक्टर यूज किया करो। अगर आपको कलर करेक्टर सारा यूज करने कैसे समझ नहीं आती, तो कलर करेक्टर में आपको फाउंडेशन वो भी मिल जाते हैं, प्राइमर एल्फ के, आप जाओगे ना एल्फ की वेबसाइट पे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में कलर करेक्टर अवेलेबल है, ताकि आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग मैच करके लगाओ। अगर आप ऑरेंज वाला यूज करोगे ना कलर करेक्टर, नहीं फाउंडेशन, हकल्ला क्या कहे जा रही हूँ, अगर आप ऑरेंज वाला प्राइमर यूज करोगे ना एल्फ का, एज अ प्राइमर उसको लगा लोगे, तो वो आपके फाउंडेशन को ऑक्सीडाइज होने से सेव करेगा। चले ये मेरे पास एल्फ का अंडर आई सेटिंग पाउडर है, इसको मैंने ऐसे ब्रश पे ले लेना है और डैब डैब करके इसके साथ मैंने अपना अंडर आई एरिया सेट करना है। क्या हुआ आपसे अच्छा मेकअप नहीं होता? कोई बात नहीं, मुझसे भी अच्छा मेकअप नहीं होता था, मैंने भी प्रैक्टिस कर करके अपना मेकअप अच्छा किया है। आप भी प्रैक्टिस किया करो, फिर आपका मेकअप भी अच्छा हो जाएगा। जब भी टाइम मिले बस मेकअप लेके बैठ जाओ, जब भी टाइम मिले मेकअप लेके बैठ जाओ। आप ऑरेंज वाला यूज करते हो, क्या यूज करते हो प्राइमर? ओ एक्स रीमा, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रही यार, क्या नहीं रिप्लाई कर रही है? मैंने क्या कहा था, मैं अभी प्राइमर का कह रही थी कि अगर आपको लगता है ना आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है, आपके स्किन टोन से मैच नहीं करता, ब्लैक या ग्रे लगने लग जाता है, तो फिर बेटर है कि आप ऑरेंज वाला प्राइमर यूज करो। एल्फ की वेबसाइट पे ना अवेलेबल है, ऑरेंज प्राइमर भी है, ग्रीन प्राइमर भी है, प्राइमर भी है। ग्रीन वाला प्राइमर जिनके फेस पे एक्नी वगैरह होती है ना, उनके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। ऑरेंज वाला प्राइमर जिनका फाउंडेशन ग्रे लगता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो उनके लिए ज्यादा अच्छा लगता है। हाय मैसिम, कैसे हो आप? चैलेंज ये देखें, मेरा अंडर आई सेट हो गया। मैंने अंडर आई पे पाउडर जो लगाया ना, वो ब्रश के साथ लगाया ताकि फाइन लाइंस के अंदर चला जाए ब्रश, और पाउडर के साथ फाइन लाइंस को अंदर से सेट कर दे। अगर अंदर से सेट नहीं होता ना आपका प्रोडक्ट, तो वो थोड़ी देर बाद स्लिप होकर बाहर आ जाता, तो आपके फाइन लाइंस वापस आ जाते हैं। कल वाला यूट्यूब पे अपलोड करूंगी। हाँ जी, चलो अब मैं लगाऊंगी आई लाइनर वापिस अपने लोअर लैश पे और ये इनर कॉर्नर बनाऊंगी, ठीक है? क्योंकि मैंने जैसा ऊपर स्मोकी का लुक है ना, वैसा ही स्मोकी वाला नीचे करना है। उसके लिए मैं अगेन ये जेल आईलाइनर यूज करूंगी। जेल आईलाइनर मैं इसीलिए यूज कर लेती हूँ क्योंकि ये स्मोकी मेकअप में ब्लेंड बहुत इजीली हो जाता है। यूट्यूब पे यार मैं अभी लाइव आती नहीं हूँ, मैं आऊंगी, मेरा प्लान है। मुझे और भी काफी सारे लोगों ने कहा है कि आप वहां पर भी लाइव आया करें, उसके साथ भी आपकी कुछ व्यूज बढ़ जाते हैं। मैं डेफिनेटली आऊंगी। आपको मैं नजर आ रही हूँ ना? ये देखिए इस तरह से मैंने ब्लैक वाला शेड लगा दिया। अभी आप लोगों को लगेगा ना ये रफली लगा हुआ है, क्योंकि मैंने इसको भी ब्लेंड करना है। जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से शेड मैं यहां भी लगा लूंगी। ये एलए गर्ल का जेल आईलाइनर है, एलए गर्ल का जेल आईलाइनर। आपको उर्दू आती है? नहीं डियर, मुझे उर्दू नहीं आती। फजर, थैंक यू सो मच डियर फजर, थैंक यू।
मैंने ना जब स्टार्टिंग में मेकअप की वीडियोस बनाना स्टार्ट की ना, हालांकि मैंने ट्यूटोरियल्स भी बनाए हुए थे काफी सारे ना, ट्यूटोरियल्स भी थे, ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ मेकअप करने के बाद की वीडियो बनाती थी, ट्यूटोरियल्स भी थे। फिर भी ना मुझे एक दो लेडीज थी ना, उनके कमेंट आते थे नीचे कि आप हर वक्त बस मेकअप की वीडियोस अपलोड करती रहती हैं बस ये बताने के लिए कि मेकअप आपने खुद किया है, हमें क्या पता आप सैलून से करवा के आके बैठ जाती हो यहाँ। मैंने कहा है अच्छा भाई, मेरे पास इतने फालतू पैसे आए हैं, मैं रोज पहले सैलून जाऊँ, वहां से मेकअप करूँ और आके बताऊँ कि ये मेकअप मैंने खुद किया। मैंने कहा यार आप मेरा प्रोफाइल चेक करो, मैं मेकअप ना खुद करती हूँ, हम कहती कैसे यकीन करें। तो मैंने कहा यार जो कह तो रही हूँ जाके प्रोफाइल चेक कर लो, प्रोफाइल में है मेकअप, ट्यूटोरियल्स दिए हैं, मेरा यूट्यूब है वहां जाके चेक कर लो, ये मेरा अपना हाथ है, पर्सनली पर्सनली मेरा अपना हाथ है, इसके साथ मैं मेकअप करती हूँ। पता नहीं फिर उन्होंने देखा कि नहीं, लेकिन ऐसे के कमेंट भी आते होते हैं। चलें जी, ये ब्लैक वाला इस साइड पे भी मैंने लगा लिया, अभी इसे मैं ब्लेंड कर दूंगी ना तो ये बड़ा अच्छा मर्ज हो जाएगा। अभी मैं बनाऊंगी अपने इनर कॉर्नर्स। अगर आप में से किसी को इनर कॉर्नर नहीं बनाने आते हैं तो मेरे देख लो, अगर मेरे अच्छे बन गए तो आप भी सीख लेना, अगर ना अच्छे बने तो फिर कभी दोबारा सीख लेना क्योंकि कभी 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 बहुत अच्छे बन जाते, कभी कभी नहीं अच्छे बनते। हाय रोमीजा, कैसे हो आप? कितना गुस्सा आता है कभी कभी आता तो है मुझे। मैंने कहा यार आप जाके देख लो, मेरा अपना मेकअप है, मैंने खुद किया हुआ है। लोग ना वो नहीं करते ना, खुद को जहमत नहीं देते हैं कि वो इतना टाइम क्यों वेस्ट करें कि जाएं प्रोफाइल चेक करें फिर उसमें देखें कि मैंने मेकअप खुद किया है कि नहीं। तो इससे अच्छा है कि ये लिखना आसान है कि आपने कौन सा खुद किया हुआ है वो लिखना आसान है ना वाकई वैसे। ओ नम्रा थैंक यू सो मच। आपके स्किन पे जो व्हाइट पैचेस बन जाते हैं ना उसको मतलब है आपकी स्किन ड्राई है, और जो आप फाउंडेशन यूज कर रहे हो वो भी ड्राई है, ठीक है, इसी वजह से ना वो बाद में पैचेस बन जाते हैं। आप ट्राई करो कि हाइड्रेटिंग फाउंडेशन यूज करो या अपनी स्किन को पहले अच्छे से हाइड्रेट करो, उसके लिए आप अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज करो, हाइलुरोनिक एसिड यूज करो या मॉइस्चर लॉक प्राइमर मिलते हैं, मेरे पास कहीं पड़ा होगा, था मेरे पास, मॉइस्चर लॉक प्राइमर बोलते हैं उसको, एल्फ का था मेरे पास। वो क्या होता है कि आप अगर प्राइमर लगा लो ना पहले हाइड्रेटिंग प्राइमर, उसके बाद मॉइस्चर लॉक प्राइमर लगा लो, वो आपकी स्किन का ना मॉइस्चर उड़ने नहीं देता, इवेपोरेट नहीं होता वो हवा में, वो ऐसा टिक जाता है अंदर ही, फिर आपका क्या होता है फाउंडेशन पे केक ही नहीं लगता। अभी चले मैंने ये ब्लैक वाला शेड लगा लिया, अब मैं इसको छोटे से ब्रश के साथ ब्लेंड करूंगी, खैर छोटा तो नहीं है लेकिन आगे से ना ये बिल्कुल फ्लैट सा ब्रश है, ठीक है, इसके साथ ही मैंने ब्लैक वाला शेड अभी ब्लेंड करना है ताकि ये हमारे पास स्मोकी वाला लुक बन जाए। आप में से काफी सारे लोगों को लगता है कि वो ब्लैक वाला काजल या आई लाइनर वगैरह यूज करते हैं ना उनका फैल जाता है, तो मैंने पहले भी एक दफा वीडियो बनाई थी ना, मैंने तब भी कहा था कि उसको लगाने के बाद ना ब्लेंड कर दिया करें। मैंने देखे थोड़ा सा थिक लगाया ना क्योंकि मुझे स्मोकी लुक देना है, आप थोड़ा सा बारीक वाला लगा के उसको ब्लेंड कर देंगे तो आपका यहां तक आ जाएगा, लाइक फैलने ब्लेंड करने के बाद इतना हो जाएगा। अगर आप उसको ब्लेंड नहीं करेंगे ना तो वो अपने आप ब्लेंड होकर ज्यादा खराब लगता है, आपके नोज से बेस रिमूव हो जाता है ना, आपका नोज ऑयली होगा इस वजह से वहां से बेस रिमूव हो जाता है। ये जो आई प्राइमर होते हैं ना जो हम अपने आईज के लिए यूज करते हैं, आपको जैसे ये वीडीएल का आई प्राइमर है, इसके अलावा मेरे पास एक ये मैरी के का आई प्राइमर है, ठीक है, ये आई प्राइमर है, ये फेस प्राइमर नहीं है, ये एल्फ का आई प्राइमर है। ये आई प्राइमर लेके ना उसको ऐसे नोज पे लगा के हल्का हल्का सा पाउडर से सेट कर लो, फिर हल्का कंसीलर लगा के बाद में फाउंडेशन लगाओ, फिर आपका फाउंडेशन यहां से नहीं उड़ेगा। ब्लैक आई शेडो यार मैंने ब्यूटी बे की पैलेट से यूज किया। रोमीजा आप आई थिंक अभी आए हो ना, ये वाला पैलेट है, ये ब्यूटी बे का पैलेट है, फेरी नाम है इसका, इसमें से मैंने ये वाला ब्लैक शेड यूज किया, देखो कितना प्यारा पैलेट है, कैसे चमक रहा है।
अभी मैं इसको जरा करूंगी ब्लेंड। और ये जो आंखों के नीचे यूज किया हुआ ना, ये मैंने ब्लैक आईलाइनर यूज किया है, एले गर्ल का जेल आईलाइनर है ब्लैक। इसके साथ मैंने कर देना है सारा ब्लैक वाला शेड जो मैंने लगाया उसको ब्लेंड, ताकि इसके साथ जब मैं जैसे ऊपर ब्राउन शेड यूज किया हुआ ना वो यूज करूँ। जी बेटे नहीं यूज सर। नहीं बाबा डांटेंगे। नहीं यूज सर। ये देखिए आई शेडो मेरा ये ब्लेंड हो गया। इसी तरह से मैं इस साइड पे करूंगी। आईलाइनर को बाहर लगाने से ना आंखें भी थोड़ी सी खुली खुली और बड़ी बड़ी लगती हैं। आज का मेकअप सूट कर रहा यार। थैंक यू। आईब्रो पे मैंने पोमेड यूज किया था एवोन द फेस शॉप का। अगर आपको भी वो वाला लेना है तो मेरी प्रोफाइल में एवोन वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, लेकिन वो लिंक जो है सिर्फ कनाडा में ही ओपन होता है, आउट ऑफ कनाडा ओपन नहीं होता। वो इसका मतलब है कि आपकी फैमिली आपसे मेकअप करवाती है? मेरी फैमिली, मैं जब पाकिस्तान में थी ना तब मुझे मेकअप नहीं आता था, बल्कि लास्ट ईयर भी मैं अपने भाई की शादी पे गई थी, मैंने सैलून से ही मेकअप करवाया था। फिर 2019 के अक्टूबर में हम पाकिस्तान से वापस आए थे। दिसंबर में इतना विंटर था, लाइक बाहर तो निकला नहीं जा रहा था, इतनी स्नो हो रही थी। उसके बाद 2 मंथ्स जो थे वो बाहर निकल नहीं सके, कहीं जा नहीं सके, मेकअप की भी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी मेरे पास। उसके बाद जी फरवरी में वायरस का इंकशाफ हो गया, फिर हम बिल्कुल घर में बंद हो गए। फिर मैंने सोचा यार मेकअप करूँगा। आप अगर मेरी कज़न होती है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। ये ब्लैक वाला शेड मैंने ब्लेंड कर लिया, अब मैं ब्लैक के साथ लगाऊंगी अगेन वो ब्राउन शेड। जैसे मैंने ऊपर वाली साइड पे ब्राउन शेड यूज़ किया ना, वैसे ही मैं नीचे वाली साइड पे भी ब्राउन शेड यूज़ करूंगी, लेकिन नीचे यूज़ करने के लिए मैं ब्रशेज तो जाहिर अब थोड़ा छोटा लूंगी, ऊपर बड़े वाले ब्रशेज से नीचे छोटे ब्रशेज। अच्छा बाबा से पूछो। हाँ तो फिर जब आप नोक करके ले लो, नोक करके ले लो। ये मेरे पास अभी ब्रश है, इसके साथ मैं डार्क ब्राउन छेड़ लूंगी। हमजा भैया से कहो, आप में से जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, मैं यहाँ से ये कैरामल शेड यूज कर रही हूँ, ये वाला कैरामल शेड को मैं पहले यहाँ जरा डैबिंग मोशन में अप्लाई करूंगी, उसके बाद मैं इसे करूंगी ब्लेंड। हम जो इसको नोक कर दें। अभी वेट करो मामा को ये डन करने दो, फिर जाते हैं। बॉक्सी चार्म का बॉक्स जो है ना वो एवरी मंथ आता है, एवरी मंथ बॉक्स आता है, एवरी मंथ फिर वो आपसे चार्ज करते हैं बॉक्स का। वैसे तो आपने सब्सक्रिप्शन ली हो तो आप उसको कैंसिल भी किसी टाइम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छी लगती है तो चलती रहने दें। वो एवरी टाइम लाइक आपके क्रेडिट कार्ड से डिटेक्ट कर लिया करेंगे मनी जितनी आपके बॉक्स की बनती है। हमजा बेटा बात सुनो, ऊपर डोर नॉक करके आंटी से ना यूसुफ को आइस ले दो। अच्छा रोमीजा कौन सा वाला बॉक्स? अभी वाला अगस्त वाला बॉक्स? अच्छा नहीं आया। अच्छा मेरा नहीं आया अभी। मेरा जुलाई वाला बॉक्स आया था, अभी अगस्त वाला नहीं आया। जुलाई वाला अच्छा आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा था यार, वैसे उसमें एक आई क्रीम थी, एक सेटिंग पाउडर था, फेस वॉश था आई थिंक, एक लिप किट थी, मुझे तो अच्छा लगा था। आपको नहीं अच्छा लगा? ओह आपका जुलाई बॉक्स चेंज था, मीन सबका सेम नहीं आता। हाय कैरोना कैसे हो आप?
हुजैफा कॉल अटेंड करो। ये देखिए इसके साथ मैंने ब्लैक के साथ, अच्छा आपका सेम नहीं था, पता नहीं मुझे लग रहा था ना छह सबके सेम बॉक्स आते होंगे। इस तरह से मैंने इसको पहले ब्राउन के साथ ब्लेंड कर दिया, उसके बाद ये जो ब्लैक की शार्पनेस है ना, मैं ये अगेन थोड़ा वापस लेके आऊंगी पहले जब इसकी मेरी ब्लेंडिंग हो जाएगी। ये जो ब्राउन शेड मैंने लगाया हुआ ना, ये मेरे पास इतना अच्छा नजर आ रहा है लेकिन कैमरे में उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, ब्राउन वाला ऐसे खाली खाली सा लग रहा है। हाँ जी सोफिया आपने मिस कर दिया। बस यार मेरे लाइव आने के एक्चुअली मैं कोई टाइम फिक्स नहीं है ना, मैं किसी भी टाइम लाइव आ जाती हूँ, जो लोग तो उस टाइम अवेलेबल होते हैं वो देख लेते हैं, जो बेचारे नहीं अवेलेबल होते हैं उनका फिर मिस हो जाता है। थैंक यू रो मेजर डियर, थैंक यू सो मच। चले पहले मैंने ब्राउन शेड लिया था, अभी हल्का सा लूंगी पम्पकिन शेड, जैसा हमारा ऊपर लुक है वैसा हमारा फिर नीचे भी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा बस मैंने यहाँ पम्पकिन शेड लिया। वॉक्सी चार्म ना मेरे ख्याल से बस यूएसए में और यूके में है, मेरी प्रोफाइल में ना लिंक दिया हुआ है उसका वॉक्सी चार्म का, अगर आपने सब्सक्राइब करना तो आप पहले वहां जाके चेक कर लेना, और पहले वॉक्सी चार्म के वहां पे जो उनके रिव्यूज हैं या बॉक्सेस हैं वो आप चेक कर लेना, वो एवरी मंथ आती होती हैं उसमें प्रोडक्ट्स, तो रिटेल में वो एक प्रोडक्ट की प्राइस भी ज्यादा होती है लेकिन बॉक्स में आपको जरा वो चीप प्राइस में पड़ जाता है। हाँ अगर आप यूएसए में हो ना तो मेरी प्रोफाइल में चेक करो, मैंने लिंक दिया हुआ है बॉक्सी चार्म का, आप वहां से जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। चलें जी ये हो गया हमारा नीचे वाला ब्लेंड, इधर थोड़ा कम लग रहा है। जी जी अबू ओके अबू देखो 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 ओके अच्छी है। टीथ खराब हो जाने आपके? चलें जी ये हो गया डन। अभी ये मैंने आपको कहा था ना, मैं इसकी शार्पनेस को थोड़ा सा वापस लेके आऊंगी ब्लैक वाले शेड की, क्योंकि वो सारा ब्लेंड हो गया ना, तो जिसके साथ मैंने आईलाइनर अप्लाई किया था ना, बस ऐसे हल्का हल्का सा ब्रश में एक बार जरा उसके ऊपर दोबारा से लाइन लगा दूंगी ताकि वो वापस थोड़ा सा नजर आने लग जाए। ये मेरे पास ब्रश है, लाइन को थोड़ा सा मैं ब्राइट करूंगी। अच्छा सफूरा बस यूएस और कनाडा में है और नहीं है कहीं? अच्छा मुझे तो लग रहा था हर जगह ही होता शायद। चले जी ये ब्लैक शेड को मैंने दोबारा से थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दिया। दुबई में भी है, जर्मनी में भी है। हाँ फिर देखिए कितनी अच्छी ऐसे प्रोमिनेंट से आईज हो गई हैं। अब लगाएंगे हम अपना वाटर लाइन पे लाइनर, वाटर लाइन पे लाइनर लगाने, हाय अल्लाह मेरी चीजें इतनी नीचे गिरती है ना कसम से। वाटर लाइन पे आई लाइनर लगाने के लिए, वाटर लाइन पे लाइनर लगाने के लिए मैं अगेन ये ब्राउन वाला शेड यूज करूंगी, ठीक है? ये वाला डार्क ब्राउन वाला शेड, इसको मैं कंसीलर में मिक्स करूंगी। आपको अगर नहीं पता या शायद आप में से काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, मैं कंसीलर के साथ जो लाइनर बनाती हूँ व्हाइट वाला कंसीलर, ये वाला व्हाइट वाला कंसीलर है ना, ये भी बेकी सू का है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये तीन में आता है, एक पीच हल्का सा पीच शेड है, दूसरा ये शेड है, तीसरा वाला जो है ये व्हाइट में आता है। लास्ट टाइम मैंने ऐसे ब्लू वाला आईलाइनर बनाया था और अभी मैं ब्राउन सा आईलाइनर बनाऊंगी ताकि अपने वाटर लाइन पे लगा सकूं। ये आईलाइनर भी मैंने अमेजोन से ही लिया हुआ है, बेकी सू के नाम से ये आईलाइनर वहां अवेलेबल है। आईलाइनर नहीं आई प्राइमर, अगर आपके पास आप कनाडा में हैं तो आप भी ये वाला आईलाइनर बाय कर सकते हैं, आई प्राइमर। आई लाइनर नहीं आई प्राइमर। चलो ठीक है, मैं यहां से ये डार्क ब्राउन सा शेड ले रही हूँ ये वाला, इसको मैं मिक्स करूंगी इस व्हाइट वाले
कंसीलर में, आई बेस में, ये देखे ये व्हाइट आई बेस ले लिए, इसमें मैंने थोड़ा सा ये मिक्स करना है जी बेटे। जी बेटे अभी वेट, ओ हॉलैंड वाले। अच्छा वहां सफूरा नहीं चला, था वहां पे सफूरा। चले जी ये व्हाइट आई बेस थी, व्हाइट आई बेस में मैंने ये ब्राउन वाला शेड मिक्स कर लिया। अब ये मैं एक ब्रश लूंगी जिसके साथ मैं आईलाइनर लगा सकती हूँ, इसे मैं अब मिक्स करूंगी ताकि मेरी वॉटर लाइन के लिए ब्राउन आईलाइनर रेडी हो जाए। इसी तरह से आप ये व्हाइट वाला, अगर आप कंसीलर भी यूज कर सकते हैं, ये कंसीलर नहीं है ना लाइक ये आई बेस है, आप व्हाइट वाला कंसीलर भी यूज कर सकते हैं। व्हाइट कंसीलर में आप आराम से कोई भी आई शेडो मिक्स करें और अपने वॉटर लाइन पर लगाने के लिए आई लाइनर बनाए। लगने के कुछ देर बाद ये ड्राई भी हो जाता है, फिर ये स्मज प्रूफ हो जाता है, लाइक ऐसा फैलता नहीं। मैंने आपसे कहा ना वेट करो, चलो वहां बैठो, मामा का मेकअप डन करने दो अभी, और ये आइस खाना बंद करो यूसुफ, टीथ खराब हो जाएंगे। ये मैंने ब्रश पे ले लिया, इसको लगाऊंगी मैं वॉटर लाइन पे। ये देखिए ब्राउन सा आईलाइनर लग गया। आपके बेटे का नाम भी यूसुफ, आपका बेटा भी आइस खाता है? मेरा बेटा जैसे कचर कचर आइस खाता है बैठ के, जैसे ना कोई अंगूर खा रहा हो। हाँ मेरा तो दांतों को कुछ होने लग जाता है आवाज सुन के। नो यूसुफ, बेस्ट आंसर, बेस्ट आंसर कौन सा? हाँ जी ब्लॉक कर दिया रोमीजा ने, किसको ब्लॉक करना था? कोई तंग कर रहा था, पता नहीं क्यों लोग तंग करते हैं ना, मुझे समझ नहीं आती यार क्या मसला है, क्यों तंग करते हैं। चलो रोज होता है आज, सुन चले मैं ये टेलीस्कोप मस्कारा यूज करूंगी लोअर लैशेस पे। आज भी अच्छी लग रही हूँ, थैंक यू। ये देखिए इस पे आईलाइनर लगा, मस्कारा लगा लिया ना, यहाँ नहीं लगाया था तो ये खाली लग रही थी, इसीलिए मस्कारा भी लगा लिया करें। आईलैशेस आपकी थोड़ी सी हैवी लगती हैं उसके साथ, और आंखें भी थोड़ी सी खुली खुली सी और बड़ी बड़ी सी लगती हैं, स्पेशली जिनकी छोटी आईज होती हैं उनकी। हाँ जी छोटी आंखों के लिए भी, आई लैशेज मैंने यार ये अमेजोन की यूज की हैं, 3D आई लैशेज है, 115 इनका नंबर है, 3D आई लैशेज 115 इस तरह से है ये, कुछ फ्रंट वाला एरिया इनका छोटा है, बाहर वाला एरिया इनका थोड़ा बड़ा है, ठीक है। देखा रूमीसा, अगर आप लोग ना हो तो मेरा क्या बने। जी मैं हमेशा उर्दू बोलती हूँ, क्यों मेरी उर्दू आपको अच्छी नहीं लगती? चले जी आई मेकअप हमारा डन हो गया ऑलमोस्ट, अभी मैं यूज करने वाली हूँ फेस के लिए। फेस पे मैं सबसे पहले लगा लूंगी प्राइमर, आप कोई भी अपने फेस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये सिलिकॉन प्राइमर यूज कर रही हूँ, मेरे पास जो भी प्राइमर पड़ा होता ऊपर वही मैं यूज कर लेती हूँ। हाँ जी मेरे बच्चे भी अच्छी उर्दू बोल लेते हैं,
छोटा वाला बेटा जरा थोड़ा सा इंग्लिश बोलता रहता है। उसे मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा यूसुफ आप क्या हर वक्त इंग्लिश बोलते रहते हो, उर्दू बोला करो। कहता उर्दू? ऐसे ही मैंने कहा उर्दू बोला करो, उर्दू नहीं अभी पापा डांटेंगे। चले जी ये प्राइमर मैंने लगा लिया, अभी फेस पे मैं थोड़ा सा कलर करेक्टर करूंगी यूज, ताकि जो जो हमारा पे फेस पे थोड़ी सी डिस्कलरेशन है वो कवर हो जाए। नहीं ना, नहीं यूसुफ यहाँ पे थोड़ा कलर करेक्टर यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर, ताकि यहाँ से जो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होके ग्रे लगता है वो ना लगे। ठीक है, बिल्कुल हल्का हल्का सा मैंने उर्दू, हाँ ये चीज मेरे अजीज। हल्का हल्का सा मैंने इसको फिंगर के साथ डैब कर देना है। आपको भी अगर लगता है ना आपके फेस पे फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होके ग्रे लगता है, तो सारे फेस पे ना हल्का हल्का सा ये कंसीलर ही लगा लिया करो, ये ऑरेंज वाला कंसीलर होता है ना जो कलर करेक्टर, उसी को ऐसे लेकर हल्का हल्का पूरे फेस पे उसको डैब कर दिया, फिर उतना आपका डिस्कलरेशन नहीं नजर आएगी। हाँ हाँ मैं उधर मुकर के उसको ऐसे करती हूँ। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है उसको ना बर्फ ग्राइंड करके दो, ताकि ग्राइंड कर लूं, अगर मैं उसको ग्राइंड करके दे दूंगी ना तो फिर वो ज्यादा खाएगा बर्फ। अभी पीसीज में है तो पीसीज में उससे ज्यादा नहीं खाई जाएगी, पता नहीं क्यों आइस खाता है, ना दोगे तो फिर रोने लग जाएगा तो मुझे आइस नहीं दी। अगर मैं इधर देख के गुस्सा करूंगी तो आप लोगों को लगेगा मैं आपको गुस्सा कर रही हूँ, इसलिए मैं उधर मुंह करती हूँ ताकि उसको पता चले कि मैं उसको गुस्सा कर रही हूँ। वो देखा उसको मैंने दो बार ऐसे करके देखा गुस्से में, टिक गया। आंखें ही बड़ी होती हैं अम्माओं की आंखें ही। आंखों से बच्चे काबू आ जाते हैं। चले जी प्राइमर मेरा सेट हो गया, तो उसके ऊपर मैंने कलर करेक्टर भी सेट कर लिया, अभी मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। भाई वो अम्मा ही क्या जिसके आंख से बच्चे ना डरे। ये मेरे पास रिमल का फाउंडेशन है, मैं यही यूज कर रही हूँ, इसको मैं लगाऊंगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे, ब्यूटी ब्लेंडर मेरा ड्राई है। ये हो गया जी हमारा फाउंडेशन। मैं ठीक हूँ जारा, आप कैसे हो जारा? काफी देर बाद आए हो, क्या हाल है जारा आपका? आजकल मुझे शमीला भी नजर नहीं आ रही है लाइव सेशन में, आज एनी भी नहीं आई शायद। यस आई एम पंजाबी। सेल्फ क्लासेस में अगर आपको इंटरेस्ट है ना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, वहां पे क्लासेस का फ्लायर मैंने अपलोड किया है, अदरवाइज मैं आपको इन पर्सन भी सेंड कर दूंगी। नेचुरल मेकअप लुक, कास्ट आ रही है हम। YouTube पे मैं इसका लुक अपलोड करूंगी, जो कल वाला सेशन मैंने किया था उसका भी अपलोड करूंगी, आप में से जिनका इंटरेस्ट हो तो वो देख लेना। शादी की पिक्स यार मुझे याद नहीं है, मैं अभी हमारा मूविंग का प्लान था ना, तो मैं शिफ्टिंग के लिए चीजें वगैरह सारी निकाल रही थी पैक करने के लिए, तब मेरे हाथ एल्बम लगा था शादी वाला लिया, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उसको किस वाले बॉक्स में डाला है। अभी मूविंग जब कर लेंगे ना तब मैं उसको चीजों को खोलूंगी, फिर मेरे हाथ वापस लगेगा। फिर मैं दिखाऊंगी। नहीं मैं ब्रैम्पटन में नहीं हूँ, मैं मिसिसागा में हूँ। वालेकुम सलाम इकरा, कैसे हो आप? ओपन पोर्स के लिए यार पोर फिलर प्राइमर मिलते हैं आजकल, तो हर चीज मिल जाती है। पोर फिलर प्राइमर लगाओ, अच्छा सा पाउडर के साथ सेट करो उसको, पोर्स हाइड हो जाते हैं, खत्म नहीं हो जाते। ये देखिए फाउंडेशन को अच्छे से बस ब्लेंड कर लिया मैंने। आप भी जब फाउंडेशन लगाते हैं, लिक्विड लगाएं, स्टिक लगाएं, कोई भी फाउंडेशन लगाएं या पाउडर फॉर्म में लगाएं, फाउंडेशन की बस ब्लेंडिंग अच्छे से कर लिया करें। अगर ब्लेंड भी अच्छा नहीं होता ना तो भी आपका फाउंडेशन बाद में पैची लगने लग जाता है, तो बेटर है कि उसको ब्लेंड अच्छे से कर लें। जी कजन मैरिजा क्यों? जी मैं सेल्फ मेकअप क्लासेस देती हूँ, अगर आपको भी लेनी है तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, सेल्फ मेकअप क्लासेस की डिटेल्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। वो फिर उसमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है क्लासेस में, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर वो क्लासेस मेरे पास नहीं है।
लाइक मैं ऐसे सिर्फ आपको अपने लिए सिखाने के लिए क्लासेस देती हूँ, और पेड है क्लासेस भी फ्री नहीं है। ये मेरे पास पाउडर है, कॉम्पैक्ट पाउडर, ये फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर है, इसका शेड है 310। लिक्विड फाउंडेशन लगाने के बाद ना उसको पाउडर से सेट कर लेते हैं ताकि वो क्रीज या केकी नहीं हो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आपको पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, वरना पाउडर लगा के और ड्राई लगती है। मेरी नॉर्मल टू ड्राई है, तो मेरे से पाउडर लगा लूँ तो मेरी केकी नहीं होती, मुझे सूट कर जाता है। रफली प्राइस किस चीज की? क्लासेस की? आपको नहीं पता, यहाँ पे हमारे बहुत सारे दुश्मन भी अवेलेबल हैं, अगर किसी का पता चल गया कि हम क्या प्राइस ले रही हैं, वापस मुझे रिपोर्ट कर देंगे। पता क्या हुआ लास्ट टाइम, एक लेडी मुझे क्या कह रही है कि आपको पता है ये इलीगल है क्लासेस लेना या चार्ज करना, वो भी स्पेशली जब आपने खुद नहीं सीखा हो। इलीगल तो तब होता है जब आप टैक्सेस नहीं पे कर रहे होते, क्या आप कमा रहे होते हैं लेकिन आप टैक्सेस नहीं पे कर रहे होते। हम हर साल पूरी ईमानदारी के साथ टैक्सेस पे करते हैं, जो मैं कमाती हूँ उसमें से भी और जो मेरे हस्बैंड कमाते हैं उसमें से भी। क्या करते हैं यार आप लोग, इन्फॉर्मेशन लेके रखा करें। फ्री में कौन क्लासेस देते हैं? मेरी भी कजन मैरिज होनी है। चलो वही ठीक है। और कोई छह या सात साल के बाद अगर मेरा टिकटॉक चलता हुआ ना तो मुझे जरूर मिलना बाद में, मैंने कजन मैरिज के हालात पूछने आपसे। चले जी, ये हो गया हमारा फाउंडेशन सेट। लिक्विड फाउंडेशन यूज किया था मैंने मेबेलिन रिमल का, उसके बाद मैंने उसको पाउडर से सेट कर लिया। अगर आप भी फाउंडेशन वगैरह लिक्विड यूज करते हैं तो उसको पाउडर से लाजमी सेट कर लिया करें। अभी ये हल्का सा मैं यहाँ से ब्रॉन्जर लूंगी, ये मेबेलिन का ब्रॉन्जर है, 300 इसका शेड है। इसके साथ जरा डबल चिन वाला एरिया मैं थोड़ा कवर कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे यहाँ साइडों पे भी लगा देती हूँ ताकि साइड्स पे जो लाइक चर्बी नजर आ रही है वो छुप जाए। हाँ, मेरी मेहनत से लोग जलते हैं, लोग कहते हैं मैं मेहनत भी करूँ मुझे उसका कोई रिवार्ड ना मिले। आपको पता है इस दुनिया में ना पैसों के बगैर कुछ नहीं होता, तो हर कोई भाई कमाने के लिए एफर्ट कर रहा है कि वो कमाए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, अपने घर को सपोर्ट करे। तो यहाँ पे लोग लगता है, लोगों को लगता है कि फ्री में सिखाए पैसे क्यों ले रही हैं। मैं मेकअप अगर सिखा रही हूँ, मैं फन के लिए नहीं सिखा रही कि मैं फन करूँ, अर्निंग के लिए सिखा रही हूँ मैं, ताकि मैं अर्न कर सकूँ। दोनों चीजें डिफरेंट है ना। फन के लिए नहीं मेकअप की क्लासेस देती हूँ मैं, फन के लिए मैं ये लाइव सेशन कर लेती हूँ, वीडियोज बना लेती हूँ। क्लासेस मैंने अर्निंग के लिए स्टार्ट की थी। और आपको पता कनाडा में रहना इतना कोई सस्ता काम नहीं है, अच्छे खासे आपके एक्सपेंसेस होते हैं रहने के, फिर आपके बच्चे हों और ये सब काम सामने आपने लेके चलने हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। फ्री में काम करते रहेंगे तो आप अपनी फैमिली को नहीं सपोर्ट कर सकेंगे। ब्रॉन्जर मैंने मेबेलिन का यूज किया। लोग नहीं समझते ना, यही मसला, लोग नहीं समझते। ये देखिए, ये मेरा हो गया है ब्रॉन्जर के साथ थोड़ी सी कॉन्टोरिंग। YouTube का आईडी ये है, रिव्यूज बाय अनम। हाँ जी बेटे, ग्राइंड मैंने ग्राइंड करके दे रही नहीं, आपके टीथ खराब होंगे, मैं ग्राइंड नहीं कर रही। नो नो बेटे, एक मिनट बस, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ये देखो, बस मैं ये लगा लूँ, ये देखो मेरे पास इतना प्यारा सा ब्लशन है। चले जी, मैं फिटमी का ब्लशन यूज कर रही हूँ, और ये ब्लशन का कलर पता नहीं क्या है, वाइन कलर है। हाँ, ये भी हो सकता है कि जब हम किसी को ब्लॉक करते हैं तो वो आईडी रिपोर्ट कर देते होंगे। ब्रॉन्जर, हाँ जी, यही तो मैं कह रही हूँ, कनाडा में कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज के लिए आपको पे करना पड़ता है। बहुत हार्ड लाइफ है भाई यहाँ पे, घर के काम आपने खुद ही करने हैं, अगर आपने अर्निंग करनी है आपको उसके लिए स्ट्रगल करना है, आपको बच्चे देखने हैं, लाइक सारा कुछ आपको खुद ही हैंडल करना होता है। ये मेरे पास ब्रॉन्जर है, सिटी ब्रॉन्जर मैंने यूज किया है मेबेलिन का, इसका शेड है 300। लेकिन सब लोग नहीं समझते ना, लोगों को लगता है पता नहीं कनाडा चलेंगे तो मोजे ही मोजे हैं इनकी, मोजे भी हैं, ऐसी बात भी नहीं है, लाइक हमें ना शुक्रिया नहीं करनी चाहिए, बहुत सी चीजें अच्छी भी हैं, लेकिन
काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो पाकिस्तान में है वो यहाँ नहीं है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो यहाँ है वो वहाँ नहीं थी। अनम इज़ ऑल्सो आ रही जी, मैं आ रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम मैनी, क्या हाल है यार? मैं आप ही का पूछ रही थी, मैं कहती हूँ जैनी नहीं आई है। चले जी, मेरे पास फिटमी का ब्लशन है। अच्छा आप भी लाइव आने लगे हो, हमारा तो खत्म होने वाला है। मेरी तो मेकअप की क्लास का टाइम हो जाना, मैं बड़ा सोच सोच के आई थी कि मैं जाऊं या ना जाऊं, कि क्लास से पहले पहले फिनिश हो जाएगा या नहीं, फिर मैंने सोचा चलो चले ही जाओ, जितना सा हो गया हो गया, बाकी छोड़ दूंगी, लेकिन हो ही गया डन। आप भी आ रही हो इकरा, नाइस टू मीट यू। मैं किस टाइम लाइव आती हूँ भाई, मेरे लाइव आने का टाइम नहीं है, मैं बस कभी भी टाइम मिलता मुंह उठा के लाइव आ जाती हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब लाइव आऊंगी। चलें जी, इसी ब्रश को मैं थोड़ा थोड़ा सा यहाँ रब कर दूंगी। मलिक नहीं यार, ब्लॉक करने का वैसे मसला नहीं होता, जिन्होंने रिपोर्ट करना होता ना वो तो वैसे भी रिपोर्ट कर देते हैं, और मसला पता क्या है कि बहुत गंदी बातें करते हैं, अजीब लगती है ना। अभी देखो मैंने कमेंट पढ़ने होते हैं ना, मैंने फिर उसमें फिर वो अजीब अजीब से कमेंट आए ना, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। यार मैं, मुझे कास्ट कौन सी पसंद है मैटर नहीं करता यार, कास्ट कास्ट का मैटर नहीं करता। ब्लशन वाला थोड़ा सा शेड मैं यहाँ पे भी लगा रही हूँ। थैंक यू एनी। फाउंडेशन यार मैंने रिमल का यूज किया है, रिमल लंदन का फाउंडेशन यूज किया है, उसका शेड 300 था। ब्लेंड योर नोज, एवरी थिंग इज परफेक्ट। आई थिंक आप मेरे लाइव सेशन में फर्स्ट टाइम आए हो ना, इसीलिए आप मुझे कह रहे हो कि मैं नोज ब्लेंड करूँ, वरना जो लोग मेरा लाइव सेशन देखते हैं उनको पता है कि मैं नोज लास्ट में ब्लेंड करती हूँ। चले जी, ब्लश ऑन हो गया हमारा अच्छा सा, हो ही ना जाए कहीं मेरे हस्बैंड नौशीन। हाय रोबीना, कैसे हो आप डियर? चले जी, ये हो गया हमारा, ब्लशन भी लग गया, अभी जल्दी से लगा लूं मैं हाइलाइटर, और ओफ्रा का मैं हाइलाइटर यूज करूंगी। एनी आप मुझे कॉल की रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, मैं ना एक मिनट अटेंड करती हूँ कॉल आपकी, वरना ना यहाँ से फिर आवाज बंद हो जाएगी। ये मेरी लाइफ में ना उस दिन वो भी आई थी पलवशा, मैंने उनकी कॉल अटेंड की, उनकी आवाज भी इतनी अच्छी आ रही थी और किसी की आवाज वो नहीं हुई डिस्कनेक्ट, लेकिन बस आपकी लाइफ के साथ आवाज डिस्कनेक्ट हो जाती है। मैं बस थोड़ा सा ये डन कर दूँ, फिर मैं आपको लेती हूँ कॉल में। लैंग्वेज बहुत अच्छी है आपकी, थैंक यू। चलिए जी, ये हो गया हमारा हाइलाइटर भी, अभी बारी है नोज की ब्लेंडिंग की। तो जिनको लगता है कि मेरा नोज ब्लेंड अच्छा नहीं है या वो नहीं लगता, मैं नोज को लास्ट में ब्लेंड करती होती हूँ जिस ब्रश के साथ या जिस ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं फाउंडेशन यूज करती हूँ ना, उसी के साथ फिर मैं उसको ब्लेंड कर देती हूँ। आज मॉडल लग रही हूँ, ले जाओ यार कहीं कहीं पे मॉडलिंग करवा लो मेरे से आज। थोड़ी मेरी मशहूरी हो जाएगी।
आप बच्चों को मारती हैं? नहीं, मैं बच्चों को सिर्फ आंखों से ऐसे करती हूँ, मैं नहीं मारती बच्चों को। मुझे बच्चों को मारना पसंद नहीं है। हाँ, डांटती हूँ, डांटती बहुत हूँ मैं, मारती नहीं हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर को गीला नहीं, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को गीला नहीं किया हुआ, ये ड्राई है। इसके साथ पहले मैंने फाउंडेशन लगाया था ना, तो इसके ऊपर थोड़ा फाउंडेशन लगा हुआ था, उसी के साथ मैंने ऐसे लगा लिया। ये बेटे, ये देखो बस मेरी लिपस्टिक रह गई है, लिपस्टिक लगा ले मम्मा, लिपस्टिक, ब्यूटीफुल लिपस्टिक, ये देखो, नहीं ब्राउन, ब्राउन ब्राउन। चले जी, मैं लिपस्टिक लगाने लगी हूँ, उससे पहले मैं लगा लूंगी थोड़ा सा ब्राउन लिप लाइनर। लिप लाइनर लगाने के बाद मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। लिप लाइनर का मेरे पास कोई नाम नहीं है, ऐसा पुराने से लिप लाइनर है मेरे पास, पता नहीं कब के, किस जमाने के लिप लाइनर रखे हुए मैंने। नहीं, सारे पुराने नहीं है, बीच में से दो चार मैंने नहीं भी लिए थे दो चार मैंने नहीं भी लिए थे, लेकिन ज्यादा पुराने हैं, क्या पता मैं एक्सपायर्ड लिप लाइनर लगाई जा रही हूँ। ये मेरे पास ब्राउन लिप लाइनर है, इसके साथ मैं जरा लिप को शेड दे दूं, फिर मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। क्या हुआ? ओ कैसा कि बाइक कुछ हो गया था, फंक्शन लगा के थोड़ा कुछ सर्च करके, अरे वन डे में वन एंड हाफ पेज पढ़ लिया। किसका कजन? आपका मेहंदी यूसुफ? क्या क्या बोलता है? उर्दू बोलता है, इंग्लिश बोलता है? उर्दू। उर्दू देखा, उसको कौन है यूसुफ, उर्दू बोलो, वो कहता है उर्दू। यूसुफ उर्दू बोलो, इंग्लिश बोलता है। हाँ ना, कई बच्चे ऐसे करते हैं, मेरा छोटा भी इंग्लिश बोलता रहता। अच्छा, नहीं खाते? हेयर कलर? नहीं यार, हेयर कलर का मुझे नहीं पता, मैंने ना अपना हेयर कलर भी पाकिस्तान में सैलून से ही करवाया था, मुझे आइडिया नहीं है हेयर कलर का। मैं जैसे एवॉन रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो उसमें ना कुछ कलर्स आए थे हेयर कलर, मैंने ना 3 बॉक्सेस एक्साइटेड होकर मंगवा लिए कि अच्छा मैं ना इस बार खुद ही ट्राई करूंगी अपने हेयर्स को कलर करना और मुझे पता है मैंने अपने हेयर्स बर्बाद करने हैं कलर करके, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। ये मेरे पास लिपस्टिक है मेबेलिन की। हमजा बेटे डोर बंद करो, ये सब भैया को डोर बंद करने देते। मैं डियर कनाडा में हूं। आप में से जिनको भी मेकअप अच्छा लगता है ना मेरा, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके जरा फॉलो कर लें।
हेयर कलर मेरे हस्बैंड परमिशन नहीं देते हैं यार हेयर कलर करवाने की, उनको अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता। मैंने ना हेयर कलर करवाया था ये वाला, मैं पाकिस्तान गई थी अपने भाई की शादी पे, ठीक है, मैं पहले गई थी, हस्बैंड बाद में आए थे। मैंने पहले जाके ना हेयर कलर करवा लिया। चलो चलो, मैंने कहा जब चलो जब आएंगे थोड़ा सा गुस्सा ही करेंगे ना, खैर हेयर कलर तो करवाओ। और अभी मैंने उनसे पूछा भी, कहते नहीं करवाना। हेयर कटिंग करवाऊंगी, हाँ मैं वो थोड़ा सा करवाऊंगी। लिपस्टिक मैंने ये मेबेलिन की यूज की है, शुगर कैंडी नाम है इसका। नहीं शुगर कैंडी नहीं, मैं ऐसे कह रही थी, इसका कुछ और नाम था। इसका नाम है मोर ट्रफल नाम है इसका। और लिप लाइनर जो मेरे पास है, ये कोई पुराने जमाने का लिप लाइनर पड़ा हुआ है, वो यूज किया है। लिपस्टिक मैंने मोर ट्रफल ली थी, तो ये मोर ट्रफल जो है बड़ा प्यारा शेड है लिपस्टिक का। आप में से अगर किसी को ब्राउन शेड अच्छे लगते हैं लिपस्टिक के, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। और आप में से अगर किसी का सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस में इंटरेस्ट हो, तो मेरी सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस स्टार्ट है, उसमें सिर्फ मैं पर्सनली आपको जो अपने लिए मेकअप करना बस वही सिखाती हूँ, बाकी उसमें कोई सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा वैसा मेकअप नहीं है जो आपको प्रोफेशनली सिखाया जाता है। अपने लिए सीखना तो उतना सा सीख लो, उतना सा तो मैं आपको सिखा ही दूंगी। और क्या बताना था मैंने, आप में से जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया वह कर लीजिएगा। मैंने कहा जरा ब्राउन लिपस्टिक के साथ मैं अपने ब्राउन ब्राउन बाल आगे कर लूँ, यहां से भी कर लूं थोड़े से, कोई अच्छे से ब्राउन से इयररिंग्स पहनती हूँ मैं। यार मिसिसागा में हूँ कनाडा में, सुपर डुपर हो गया मेकअप। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, आप लोगों का मेकअप पसंद आ गया। बस ये वाला मेकअप कल मेरा दिल किया था करने का, मैं थोड़ा सा ऐसे ब्राउन के साथ वो कुछ टच दूँ और इसका पम्पकिन शेड का, मैंने इसी वजह से आज पम्पकिन शेड वाला मेकअप किया। अगर मैं ऐसा वाला हेयर स्टाइल बनाऊंगी तो भी अच्छा लग रहा है ना, बुरा नहीं लग रहा, सूट कर रहा है। हाईलाइट्स अच्छी लग रही है ना। हाँ ये मैंने छुप छुप के करवा ली थी, मैंने कहा चलो यार बाद के बाद में देखी जाएगी, हाईलाइट्स तो करवा तो मैं तब करवा ली। चलो यहाँ से थोड़ा सा कैचर लगा लूँ ताकि लुक अच्छा हो जाए। चले जी, ये रहा हमारा फाइनल लुक। थैंक यू सो मच आप लोगों का जिन्होंने हमारा लाइव सेशन आज का देखा। आप में से जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया हुआ प्लीज जाके कर लीजिएगा, बाद में अनफॉलो ना कीजिएगा, इधर से फॉलो करके उधर से अनफॉलो करके चले जाते हैं। ज्वेलरी भी पहनो, ज्वेलरी मैं बाद में पहन के ना एक अच्छी सी वीडियो बना के अपलोड करूंगी, वीडियो भी लाजमी देखिएगा। और मेरे प्रोफाइल में जाके जरा थोड़ा सा विजिट करके आया करें ताकि प्रोफाइल मेरी व्यूज में रहे। बड़ा दुख होता है यार मुझे, व्यूज खत्म हो गए मेरी प्रोफाइल से। चले थैंक यू सो मच हमारे मॉडरेटर्स का भी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया आज यहाँ पे। हाँ ज्वेलरी मैं पहनती हूँ। इंस्टा की आईडी ये है रिव्यूज बाय अनम, इसी नाम से इंस्टाग्राम है, इसी नाम से मेरा यूट्यूब है। लाइव सेशन को यहाँ से डाउनलोड करके मैं वहाँ पे अपलोड कर देती होती हूँ ताकि आप लोग वहाँ पे लाइव सेशन देख लें। बाकी ऐसे बड़ा अच्छा लुक लग रहा है, अगर आपको लग रहा होगा ना मैंने फिल्टर यूज किया तो कसम से मैंने फिल्टर नहीं यूज किया, मैं वैसे ही इतनी खूब। ये देखें लाइट ऑफ करके भी देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये बस हल्के हल्के से मेरे पिंपल्स हैं वो भी नजर आते हैं यहाँ से। देखिए अगर मैं लाइट बंद करके मेकअप करती हूँ ना तो ये आपको उतना क्लियर नजर नहीं आएगा, लाइट ऑन करती हूँ तो उसके साथ ज्यादा क्लियर नजर आता है, इसी वजह से मैं रिंग लाइट ऑन कर लेती हूँ, समझ रहे हैं ना। ये देखें कैसा फ्रेश हो जाता है एकदम से। क्लासेस की चार्जेस के लिए यार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, तीन वीडियो बनाऊंगा आज। अच्छा चलो ठीक है, तीन बनाऊंगी। क्लासेस की चार्जेस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, वहां पे मैं आपको सेंड करती हूँ अपना फ्लायर, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा फिर, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नहीं डियर मैं पार्टी मेकअप क्लाइंट्स का नहीं करती, मैं बस वीडियोस करती हूँ बस। हेलो।